عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. जी, कल जो हमने दर्स सीखा था अद्दर्स रबी अशर, उसमें फ़ेल अमर का तारुफ हुआ था। फ़ेल अमर जो है वो मुबारक के मुखातब के सीगों से बनता है, मुबारक के मुखातब के सीगों से बनता है। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि मुखातब के सीगे से अलामत मुजारे हटा देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर हमज़तुल वसल ऐड किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर का क्या मतलब है कि अगर पहला हर्फ साकिन हो जाए तो फिर हमज़तुल वसल ऐड किया जाता है ताकि हरकत दी जा सके, साउंड कैरी हो सके। तो मुजारे से बनाया जाता है अलामत मुजारे हटा के, अगर पहला हर्फ साकिन हो तो हमज़तुल वसल को ऐड किया जाता है। फिर हमज़तुल वसल की अपनी क्या हरकत होगी वो डिपेंड करेगा मुजारे के ऐन कलमे पे, यफ़उलु, यफ़इलु या यफ़अलु। इसमें ऐन की हरकत को देखेंगे, अगर ऐन पर दम्मा होगा तो हमज़तुल वसल पे भी दम्मा लगा देंगे, और अगर ऐन पे फतहा या कसरा होगा तो फिर हमज़तुल वसल पे कसरा लगाया जाएगा। फिर उसके बाद अब इन्होंने आपको कहा है कि आप यहाँ पे सुगिल अमर मिन अल अफ़ाल अल आतिया, मुंदरजा ज़ेल अफ़ाल से फ़ेल अमर बनाए। जी, ऑनलाइन क़तला यक़तुलु, इसका फ़ेल अमर क्या बनेगा? क़तला यक़तुलु का फ़ेल अमर क्या बनेगा? उक्तुल, बारकल्लाहु फीक, उक्तुल। अच्छा, आखिर से फेल मुजारे को मजजूम भी कर देंगे, यानी उसका जो आखिर में जम्मा होता है यफ़अलु यफ़उलु यफ़इलु का, लाम पे जो जम्मा है वो जम्मा को साकिन कर देंगे तो ये हो जाएगा मजजूम, यक़तुलु से उक्तुल। सही। ज़हबा यज़हबु, यज़हबु से अमर क्या बनेगा? इज़हब, बिल्कुल सही, इज़हब। उसके बाद है जलसा यजलिसु, जलसा यजलिसु, इजलिस, बिल्कुल सही, इजलिस, बिल्कुल सही, इजलिस। सुम्मा फहिमा यफहमु, फहिमा यफहमु से इफहम, हफिज़ा यहफ़ज़ु से احفظ، سجد يسجد سي اسجد، ركع يركع سي اركع، شكر يشكر سي शकरा यशकुरु है तो हो जाएगा उशकुर, इश्किर नहीं, उशकुर। शकरा यशकुरु अल अम्रु मिन्हु उशकुर, ठीक है जी। उसके बाद समीअ यस्माउ, समीअ यस्माउ से क्या बनेगा? सही, इस्मा, इस्मा, रफा यरफाउ से रफा यरफाउ से इरफा, सही। दरसा यदरुसु से यदरुसु, दरसा यदरुसु, यदरुसु तदरुसु उदरुस, उदरुस। अलिमा यालमु इलम, सही। शरीबा शरीबा यशरबु, शरीबा यशरबु, इश रब, शरीबा यशरबु से अमर क्या बन जाएगा? इश रब। अशरबु नहीं बनेगा, अशरबु तो मुतकलम के लिए सीगा बन जाएगा, इश रब। अमर में इन अफाल के लिए फतहा नहीं आएगा हमज़तुल वसल पे, ठीक है जी। हलका यहलिकु, علاقة يحلق سي أمر كيف بنيغا؟ علاقة يحلق احلق، يحلق سي احلق. كسر يكسر،
कसरा यकसिरु, एक सिर गसला यकसिलु, इग सिल तबखा यतबुखु, उत्बुख قطع يقطع، اقطع جمع يجمع، اجمع عبد يعبد. جي يعبد، اعبد نزل ينزل، انزل عرف يعرف، اعرف أكل يأكل، أكل يأكل سے کیا بنے گا؟ كل، پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تأكل سے امر بنا تھا كل، ٹھیک ہے، سمپل كل. فعل يفعل سے افعل، فتح يفتح، افتح ضرب يضرب، اضرب كتب يكتب، اكتب سأل يسأل، اسأل منع يمنع، امنع ضحك يضحك، اضحك ركب يركب، اركب أخذ يأخذ، خذ أخذ يأخذ، أكل يأكل كتر، خذ. بارك الله فيك. همزة الأمر اسأل بھی بنے گا، سل بھی بن سکتا ہے، سل بھی استعمال ہوتا ہے، اسأل بھی. همزة الأمر جیسے فاسألوا أهل الذكر ہے، ضحك يضحك ہے، يضحك حاء فتحہ ہے تو اضحك ہوگا، اضحك نہیں ہوگا. همزة الأمر همزة وصل، اس کا کیا مطلب ہے؟ همزة الأمر همزة وصل، همزة الأمر همزة وصل، اس کا مطلب کیا ہے؟ امر کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیسا ہوتا ہے؟ حمزہ تو وصل ہوتا ہے. فلا تكتب فوقها او تحتها علامة الحمزة، تو نہیں لکھے جائے گا اس کے اوپر اور نہ اس کے نیچے، حمزہ چھوٹا حمزہ جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا. الا فی الفعل الرباعی، وہ پھر انشاءاللہ بعد میں آئے گا تو اسے دیکھ لیں گے. جی تامل ما یلی، اکتب الدرس تھا، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اکتب با ساکن ہے اور آگے پھر ایک اور ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ پہلے والے کو کسرہ کہہ دیا. جی یہاں پہ آپ کی کیا عبارت ہے جو آپ ذکر کرتے رہتے ہیں شیخ صاحب؟ اجتماع ساکنین کے حوالے سے آپ کی کیا عبارت ہے جو آپ ذکر کرتے ہیں؟ اذا حرک حرک بالکسرہ، اگر اس کو حرکت دی جائے تو حرکت دی جائے کسرہ. تو اکتب الدرس کو ملا کے کیسے پڑھا؟ اکتب الدرس. پھر اسی طرح اقرا القرآن، اشرب القهوة، العب الآن، سب میں کیا ہو رہا ہے؟ ساکن کو ساکن سے ملانے کے لیے پہلے والے ساکن کو کسرہ دیا جا رہا ہے. دوسری بات کہ چونکہ یہ حمزت الوصل ہے، شروع میں حمزہ جو ہے، تو اکتب شروع اگر ورڈ اسی سے شروع کر رہے ہیں تو اس کو پروناؤنس کریں گے، لیکن جیسے آگے آیا یا حامد اکتب، تو یہاں پہ کیا کیا؟ اس کو پروناؤنس نہیں کیا. اجلس ادخل وجلس، یہاں پہ کیا کیا؟ واؤ پیچھے سے آ رہا تھا تو اس حمزہ کو پروناؤنس نہیں کیا. افہم قال لی ابفہم، ٹھیک ہے، تو یہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے آ رہا ہوگا تو اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے. جی آن لائن اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو بتا دیں، ادروائز پیچھے سے ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں، یا پھر آپ یہاں آگے سے ریڈ کر لیں پلیز مائک میں. یا تو ان کو مائک دے دیں گے آپ ریڈ کر لیں. وہ پڑھا رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقرا ما یلی مراغیہ قواعد نطقی حمزۃ الوصل و قواعد نطقی الحرف الساکن عند ما یلیہ. کیا مطلب؟ پڑھیں جو یلی کا معنی کیا ہو؟ مندرجہ ذیل. مندرجہ ذیل نا، پڑھیں جو مندرجہ ذیل مراغیہ ہے قواعد نطقی مراعین، مراعیہ مراعین کا مطلب ہوتا ہے خیال کرتے ہوئے. اچھا رعایت کرنے میں، رعایت کریں یعنی پڑھیں مندرجہ ذیل کو رعایت کرتے ہوئے قواعد نطقی حمزۃ الوصل میں.
قواعد نطقی اور حمزۃ الوصل میں، اور قواعد نطقی الحرف الساکن نہیں عندما، क्या करें, हमजतुल वसल के पढ़ने के कवायद को और हम साकिन हर्फ के पढ़ने के कवायद को कंसीडर करते हुए, जहन में रखते हुए मुंदरज ज़ैल को पढ़ें. जी, जुमला गुला क्या है? जब उसके बाद, जी, इंदमा यली ही अल, जब उसके बाद अल आ रहा हो. जी, पहला सेंटेंस कुल व अशरब. कुल हमजतुल वसल है ना. हाँ, हमजतुल वसल तो कैसे पढ़ेंगे? वशरिब शरीबा यश रबु. हाँ, शराब शराब यश शरीबा यश रबू यश रबू वह शरीफ पढ़ेंगे ना. शरीबा यश रबू. अच्छा, वश रब कुल वश रब खाओ और पियो. कुल वश रब खाओ और पियो. आगे इकरा इकरा अदरसु व तो फिर इसको मिला के पढ़ेंगे ना. इकरा अदरसु इकरा इकरा पढ़ें. हाँ पढ़ें. आगे क्या है? अदरसु तो हमजतुल वसल है. हमजतुल वसल है. तो इकरा अल इकरा अल दरसु इकरा इद दरसा. इकरा इल दरसा. दरसा क्यों पढ़ा मैंने? हाँ, उसका वो है ना, मफूल है. मफूल है ना. इकरा इद दरसा. इकरा इकरा इल दरसा वफाह माहू वफ वफ माहू वफ फहीमा यफहमु. इससे अमर क्या बनेगा? वफ फहीमा यफहमु से अमर क्या बनेगा? फहीम फहीमा यफहमु. इफ हम तो कैसे पढ़ेंगे? इकरा इदरसा. इकरा इदरसा व इफ हम हु. हमजतुल वसल है. हाँ, हमजतुल वफ वसल वफ हम हु वफ हम हु. वफ हम हु इकरा इदरसा वफ हम हु. वफ दर्स हम को हु. पढ़ो और उसको समझो. जी, असालिस इकरा वक्तब कतबा यक. कतबा यक्तबु. तो फिर अमर इकरा इकरा वक्तब वक्तिब कतबा यक यक्तबु 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 तुबु. हाँ यक्तुबु. हाँ हाँ यक्तु तो इकरा वक्तुब वक्तुब. इकरा वक्तुब. इकरा वक्तुब. रॉबर्ट अखरज अखर. हमजे पे आपने फतह कैसे लगाया? इकरा खराजा खराजा यखरुजु यखरुजु. यखरुजु खराजा यखरुजु खराजा यखरुजु इखरुजु इखरुज कैसे? खराजा यखरुजु. रॉ पे दम्मा है. जब दम्मा होगा तो हमजतुल वसल पे क्या आएगा? اخرج 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 والعب والعب. اخرج والعب. نکلو اور کھیلو. پلے گراؤنڈ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. چلیے اذهب الان ورجع اذهب الان ورجع اذهب. اذهب الان ملائیں گے نہیں ملائیں گے. اذهب الان اذهب الان. اذهب الان تھا تو اذهب الان. الان تھا اذهب الان وجب ثلث ساعتو ورجع بعد بعد ثلث ساعتو. ثلث کا اعراب کیا ہوگا؟ بعد 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 ثلثی ثلثی. بعد ثلثی ساعتو ساعة ساعتو ساعتو. کیوں ساعتا ہوگا؟ ساعتا کیوں ہوگا؟ ثلثی ساعتی ساعتی کیوں ہوگا؟ تینوں ہی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, تینوں میں سے ایک ہوگا. کیوں یہ پتا کرنا ہے. تین کے علاوہ ہاں یہ مضاف مضاف الیہ. تو جب مضاف الیہ ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں ساعة ساعتی تیتن. ہاں ال تھوڑی ساعتی بعد ثلثی ساعت. اذهب الان ورجع بعد ثلثی ساعت. ثلث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیسرا حصہ. صحیح, ون تھرڈ. جی, ون تھرڈ. اس کے بعد اچھا جی مزیع ریڈیو. جی بعد ظرف ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا. افتح المزیع. ایک سیکنڈ. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں, بعد بعد کا مضاف الیہ ہے ثلث, اور ثلث خود بھی مضاف ہے, اور اس کا مضاف الیہ ہے ساعہ. ساعہ کے ثلث کے بعد. جی نہیں, گھنٹے کا تیسرا حصہ. ثلث از ون تھرڈ, ایک تہائی. تو ایک تہائی گھنٹے کے بعد آؤ. بیس منٹ, پندرہ منٹ, ربع ہوتا ہے, ربع حصہ. بعد الثلاثۃ
بلغ 7 ساعات. ساعات جيم جي. नहीं वो तो तीनों जद में रहेंगे ना. तो बादा सुलुसी हो गया, सुलुसी मुजाफ नहीं इस वजह से जर्म है. इफ्ताह अल मिजिया, इफ्ताह अल मिजिया वस्मा अल अखबार, इफ्ताह अल मिजिया वस्मा अल अखबार अखबार. खुद हादे अल हकीबतु, खुद 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 हादे अल हकीबतु. क्यों हकीबतु क्यों? अच्छा जी لو هذه الحقيبة صحيح. خذ هذه الحقيبة وافتحها وافتحها وافتحها. مذياع سے مراد ہوتا ہے ریڈیو. ریڈیو کھولیں اور خبریں. ہاں ریڈیو کھولیں اور خبریں سنیں. اچھا جی یہ آ گیا اب 8. اذهب الى المديري واساله. واساله واساله. اذهب الى المديري واساله اور اس سے پوچھیں. बैग खुदल कूबी, खुदल खुदल कूबी कूबी क्यों? हाँ ये भी वही है. खुदल कूबा वक्त लहू गसला यगसिलू. अच्छा गसला यगसिलू यगसिलू क्या बनेगा? वाइग वाइग वो फिर हमजा प्रोनाउंस नहीं करेंगे. हाँ वगसिल वगसिल खुदल कूबा वगसिल. कूब किसको कहते हैं? कप या ग्लास? नहीं चाय पीने को कप को बोलते हैं. कूब कप या ग्लास? गिलास को कासा बोलते हैं. नहीं वो नहीं है. चाय का कप है ये, चाय पीने का कप से. अच्छा जी قال الله تعالى لي يا حي عليه السلام لي لي يا حي. يا حي کون ہے؟ يحيى. اه لي يحيى عليه السلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة اپنی طاقت کے ساتھ کتاب کو لو. اے یا اپنی طاقت کہاں سے آئی؟ بقوة اپنی کتاب تو نہیں. اپنی کتاب تھوڑی اپنی طاقت کے اپنی طاقت اپنی کہاں سے آ گئی؟ با نہیں ہے یہ حرف جر. کیا اپنی کہاں سے آئی؟ اپنی کہاں سے آئی؟ طاقت کے ساتھ. طاقت کے ساتھ کتاب کو لو. کتاب کو لو یا پکڑو. کتاب کو پکڑو طاقت کے ساتھ قوت سے. صحیح. یا اے یا اے یحیٰ اے بتائیں جی علیہ السلام کا اعراب کیا ہوگا؟ علیہ السلام. سلام کیسے کرتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بس آگے پیچھے ہو گیا السلام علیہ. علیہ السلام یہ جو گلاسز لکھا ہے نا انہوں نے مبتدا مؤخر ہے یہ پتہ کرنا پڑے گا. علیہ السلام میرے ذہن میں. قال الله تعالى ليحيى. يحيى کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری. اور اعرابی حالت کون سی ہوگی؟ مجرور. مجرور لیکن اعراب تقدیری ہے ظاہر نہیں ہوگا. یا یحیى خذ الكتاب فخذ الكتاب بقوة. صحیح. ثم بعد اس کے بعد وقال الله تعالى لآدم علیہ السلام يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة. اے آدم اسكن. اے آدم سکن آپ سکون اختیار کریں. سکونت اختیار کریں اور آپ کی بیگم آپ دونوں سکونت اختیار کریں جنت میں. صحیح بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی. تو امر ہو گیا. امر کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. پیچھے سے کوئی ساؤنڈ آ رہا ہوگا تو اس کو پرناؤنس نہیں کریں گے. اچھا جی اس کے بعد انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ یا حامد اذهب. حامد واحد مذکر ہیں تو ان کو کیسے امر دے رہے ہیں؟ اذهب. جب یہ جمع ہو گئے تو کیا کر دیا؟ اذهبوا. جب واحد مؤنث ہو گئے تو کیا کر دیا؟ اذهبی. اور جمع مؤنث ہو گئے تو کیا کر دیا؟ اذهبنا. اصل میں کیا ہوا تھا؟ انت کیا ہوتا ہے؟ انت تذهبوا. انتم کیا ہوتے ہیں؟ تذهبون. انتی تذهبین و انتن تذهبون. انت میں مخاطب میں صرف تا آتا ہے وہ غائب کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کیسے کیا تھا؟ امر کیسے بنایا؟ آخر سے اس کو مجزوم کر دیا. یہ ساکن ہے تو حمزۃ الوصل لگا دیا. اس کو آخر میں کیا کیا تھا؟ جزم کیا تھا. مضارے کے پانچ صیغے ہیں. یذهبوا پھر ہی تذهبوا. چار صیغے ہیں سوری. ہی تذهبوا بلکہ انت بھی تو ہے نا. انت
तजहबू, फिर अना अजहबू और नहनु नज़हबु नजहबू। इन पांच सीगों में क्या होता है? फेले मुजारे की एराबी हालत कौन कौन सी होती है? या वो रफा में होगा, या वो नसब में होगा, जी, या वो जज़्ब जज़्म में होगा। हाँ जज़्ब में ये जो पांच सीगे हैं, हुआ यजहबू, या तजहबू, अंत तजहबू, अना अजहबू, नहनु नजहबू, इन सबका रफा कैसे आता है? जज़्ब के साथ जज़्ब आ जाएगी ना, जज़्ब रफा कैसे आता है? जम्मा से, ठीक जज़्ब से है। आता है। इन हाँ सबका रफा आता है हाँ जम्मा से। अमर कह रहे तो हैं ना इनको जब मज़ूम करेंगे तो इस जम्मा को कर देंगे साकिन, साकिन ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया तजहबू से इजहब, अभी साहब ठीक है। फिर पांच सीगे ऐसे हैं, पांच को छोड़ें, ये अभी रीजन आएंगे कि कब फेले मुजारे जो है वो रफा में होता है, कब नसब में होता है, कब जज़्म में होता है। बाय डिफॉल्ट फेले मुजारे जो है वो रफा में होता है, कोई वजह आएगी तो वो नसब या जज़्म में जाएगा। जैसे कि अमर एक वजह है जज़्म में जाने की, दूसरी एक वजह अगले चैप्टर में आएगी, हमने पहले की भी है, ला नहिया जब आता है हाँ ला नहीं गया तो फेले मुजारे मज़्ज़ूम हो जाता है। अभी बताने का मकसद ये है कि ये पांच सीगे ऐसे हैं जिनका एराब जो है वो जम्मा से जाहिर होता है, रफा, और जज़्म साकिन से। तो ये उस कैटेगरी में है, इस वजह से इसके रफा को जज़्म कैसे किया? साकिन करके। दो सीगे ऐसे हैं जो कि हैं मबनी, एक है हुन्ना यजहबना, और दूसरा कौन सा होगा? अंतुन्ना तजहबना। ये दोनों हैं मबनी। मबनी का मतलब क्या होता है? ये इनके आराम नहीं बदलता इनका हर एराब, हालत में, इनमें कोई तब्दीली कोई नहीं आती, तब्दीली नहीं आती हर हालत, तमाम ठीक है। हालत। तो इसका अमर कैसे बना? इसका अमर वैसे ही बना, आखिर में कोई तब्दीली नहीं आई। आप देखें, या इखवा या अखवातु इज हबना मबनी है, इसलिए इसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बाकी जितने भी सीगे बचते हैं, ठीक है, उन सबके आखिर में ये जो नून है, ये नून कौन सा कहलाता है? ये नून कहलाता है नून एराबी। नून एराबी जब हालत रफा में होगा तो ये नून मौजूद होगा, मौजूद होगा, जब नसब या जज़्म में जाएगा तो ये नून गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म। तो इस वजह से इसको अमर कैसे बनाया? इज जज़्म किया तो ये नून खत्म हो गया, और इसको अमर कैसे बनाया? ये नून खत्म हो गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक अलिफ किस लिए ऐड किया? पहचान के लिए होता है ये उसको, के ये वाव जो है वो जमा का है, ठीक है। तो ये सीगे बने इस तरह हैं कि दो के सीगों का नून गिरा दिया है उनको मज़्ज़ूम करने के लिए, ठीक है। और एक जो कि वो मबनी है, इसलिए उसमें सिर्फ फिर अलामत मुजारे में तब्दीली आई, बाकी नून तब्दील। जी, तजाबुना में भी नून अराबी है, इसका नून भी अराबी है। बाकी भी जितने नून आएंगे, इन दोनों नून को हटा के बाकी जितने भी नून फेले मुजारे में आएंगे वो सारे होंगे अराबी, अगर फेले मुजारे नसब या जज़्म में आ जाए तो। जी, ये नून जब तक है ये अलामत है उसके रफा होने की। रफा होने की इन अलामत सीगों की रफा होने की क्या अलामत है? ज़म्मा। है, जम्मा जम्मा ये मबनी होते हैं इसलिए इनकी कोई अलामत होगी नहीं। ये पांच सीगों की रफा होने की अलामत है ज़म्मा, नसब होने की अलामत आगे आएगी फतहा, और जज़्म में होने की अलामत है सुकून, ठीक सुकून। है। इन पांच सीगों में यही फॉलो करेगा। इन दो में नून निस्वा है, ये मबनी है, ये चेंज ही नहीं होते। तो बाकी जितने भी सीगे होंगे उन सब में नून आएगा, और वो नून नूने इराबी होगा, रफा में होगा, नसब और जज़र में गायब हो जाएगा। ये मज़्ज़ूम, वैसे ये मबनी होगा, मज़्ज़ूम है, महल मज़्ज़ूम का है, मबनी फी महल जज़्म। वो एक सीगा है ना, जी, अब माइक उनको देने, आज रयान साहब पढ़ते। जी भाई, तजहबीना इजहबी, ये नून भी नून अरबी है। जी बिल्कुल, और कोई ऑप्शन नहीं है फेले मुजारे का। फेले माजी पूरा मबनी होता है, सिर्फ मुजारे का इराब होता है। फेल मुजारे मौरब होता है, फेल माजी जो है वो मबनी होता है। जी भाई, या अयुहा तुल्लाबु इदखुलू, इसको मिला देंगे, या अयुहा तुल्लाबु दखलू, या अय्युहत तुल्लाबु दुखुलू तुल्लाबु दखलू अल्फसली वजलिसु, अल्फस अल्फस वजलिसु, अल्फस ला अल्फसला वजलिसु, वक्तबु वक्तुबु, वक्तबु दरसा। या अय्युहत तुल्लाबु क्या मतलब ए तालिबेन, है स्टूडेंट्स? ये या तो पता है हमें निदा का होता है, अय्युहा क्या होता है? अय्युहा क्या है? अगर मुनादा के शुरू में अल होगा तो निदा में या के साथ मुजक्कर के लिए अय्युहा ऐड करेंगे और मोनस के लिए अय्यतुहा। तो यहाँ पे अत्तुल्लाब जो है वो चूंकि अल के साथ है, इसका वाहिद और जमा से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इस अल से है,
चूंकि अतुल्लाब के शुरू में अल है इसलिए या के साथ अयुहा आया, या अयुहतुल्लाब, ए स्टूडेंट्स। अब जमा से बात हो रही है तो अमर क्या दिया, उदखुलू, दखला यदखुलू से उदखुल वाहिद का बना जमा के लिए, उदखुलू दाखिल हो जाओ, किस चीज़ में दाखिल हो जाओ, क्लासरूम में, अल फसला क्लास में दाखिल हो जाओ, वज लिसु जलस एजलिसु से इजलिस और जमा के लिए एजलिसु और बैठो बैठ जाओ, कतबा यक्तुबु से उक्तुब और जमा के लिए उक्तुबु और लिखो लिखो, अब किस चीज़ को लिखो, दर्स को, दर्स का, तो वो उसका मफूल हो जाएगा जी। आसानी अखरीजी या खरजा यखरुजु, तो इसका अमर कैसे बनेगा, तखरुजु, हमजा पे हरकत जम्मा आएगी या कसरा आएगी, खरजा यखरुजु, यखरुजु तो क्या आएगा, उखरुजु, उखरुज, तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, उखरु, उखरुजी, उखरुजी, या बिंतु, वल अबी, मा उख्तुक, मा मुज़ाफ हो जाएगा, तो उख मुज़ाफ इलैह, तो मुज़ाफ इलैह का इराब क्या होगा, मंसूब होता है ना, कसरा, कसरा मजरूर, मजरूर, तो मा उख उख्तुकी, उख्तु जो है वो रफा है, इसको जर कैसे करेंगे, उख्तुका, का को छोड़ देंगे, उख्त जो है, उख्तु रफा है, नसब होता है उख्ता, जर कैसे होता है, उख्ती, उख्ती, तो मा उख उख्तिका, उख्तिका, उख्रुजी, या अच्छा अगेन ये का पे फतहा नहीं होगा, बात किससे हो रही है, लड़की से, लड़की से, तो मा उख्ती की, मुखातब मुअन्नस है तो काफ पे कसरा आएगा, सही, अंती से बात हो रही है, या उख्रुजी निकलो, या बिंतु ए लड़की, ए लड़की, वल अबी और क्या करो, लाइबा यलअबु, खेलो, खेलो, मा उख्तिकी, अपनी अपने भाई से, अब उख्त अपनी बहन से, बहन के साथ, साथ, अपनी बहन के साथ खेलो, ये वाला यार तखरुजी ना था, नून हटा दिया तो उख्रुजी रह गया, कुलु व अशरबु, हमजतुल वसल है तो कुलु वशरबु, वशरबु, कुलु वशरबु, खाओ और पियो, खाओ पियो, लेकिन तुम सब, तुम सब, ठीक है, तुम सब खाओ और तुम सब पियो, जमा के लिए, सही, वाओ जमा का मायना, वाओ जमा के लिए, बिल्कुल, अशरबना अलका, सर हमजा पे हरकत क्या आएगी, इशरबना, इशरबना, शरीबा यशरबु, इशरबना, इशरबना अलकहवता या अखवाती, सही, इशरबना अलकहवता या अखवाती, इशरबना माना पियो, पियो क्या पियो, कहवा, कहवा पियो, कौन पियो, ए मेरी बहनों, ए मेरी बहनों, बारकल्लाहु फीक, अलखामिस, तआला या आलै, इस फेल को भी छोड़ दें, सिर्फ इसका माना है इधर आओ, या आमिनतु, या आमिनतु, वफता, वफ, वफता, वफता होता मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए क्या है, वफ्ताही, वफ्ताही, अलनवाफिजु, खोलो, क्या खोलो, नवाफिजा, नवाफिजा, बारकल्लाहु फीक, मफ़ूल मंसूब, तआलै या आमिनतु, ए आमना, आओ इधर आओ, वफ्ताही और खोलो, अलनवाफिजा, खिड़कियों, खिड़कियों, सही, इग्सिलु वुजूहकुम व अयदीकुम, बारकल्लाहु फीक, इग्सिलु, ग़सल इग्सिलु से अमर, इग्सिल जमा के लिए, इग्सिलु, तुम सब क्या करो, नहाओ, धो, 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 किस चीज़ को धो, वुजूहकुम, वुजूहकुम, वुजूह जमउ वजह, वजह किसको कहते हैं, चेहरे को, चेहरे को, वुजूहकुम, वो आई दिया कुम, अच्छा वुजूहकुम का मतलब क्या हो जाएगा, चेहरों को, किसके चेहरों को, वुजूहकुम, तुम सब अपने चेहरों, तुम सब अपने चेहरों को दो, वा आई दिया कुम, और अपने हाथों को, हाथों को, यद जमउहु अयदिया, सही, अबुदुना अबदा या अबुदु, इससे अमर क्या बनेगा, इसको छोड़े पहले सुने, अबदा या अबुदु से अमर क्या बनेगा, ए अबुदु, उबुदु, बीच में अगर दम्मा है तो शुरू में भी दम्मा लगाएंगे, उबुद, उबुदना, उबुदना, बारकल्लाहु फीक, उबुदना अल्लाह वस्जुदना लहू, बारकल्लाहु फीक, उबुदना अल्लाह, तुम सब खवातीन क्या करो, अबदा या अबुदु, इबादत करना, इबादत करो और सिजदा करो, इबादत करो अल्लाह की, इबादत करो, इबादत करो और उसके लिए सिजदा करो, और सिजदा करो उसके लिए, बारकल्लाहु फीक, इलअबु, इलअबु, बाद अद-दर्स, खेलो दर्स के बाद, सही, खजी किताब का, खुजी, खुजी, लेकिन यहाँ पे तो जबर है ना, छोड़ो ना किताब, खुजी किताब का, या साथ, खुजी पढ़ लिया, इलअबु बाद अद-दर्स, खुजी किताब का, या साथ, काफ पे फतहा का बात है, काफ पे जब किससे बात हो रही हो, गाइब से, काफ है तो मुखातब के लिए, सामने वाले के लिए, फतहा का बात है और कसरा का बात है, फतहा आता है मुजक्कर के लिए और कसरा आता है मौनस, मौनस, अब बात मुजक्कर से हो रही है, मौनस से हो रही है, मुजक्कर से, खुजी, खुजी के आखिर में या है ना, मौनस के लिए, खुजी और सुआद औरत का नाम है, तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, खुजी किताबा, किताबका, किताबका होता अगर मुजक्कर से बात हो रही होती, किताबकी, किताबकी, मौनस, सुआद से बात हो रही है, तो खुजी किताबकी या सुआद, खुजी, खुज का मतलब होता है लो, लो, लो ये किताब, ऐसा ये किताब, किताबकी, लो ये किताबें, ये किताब नहीं,
ये होता हाजा हाजी से, अच्छा किताब की, तुम्हारी किताब, तुम लो तुम्हारी किताब, यानी तुम लो अपनी किताब, लो अपनी किताब, एसाद एसाद सही। इशरूना قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها كيف آية آگے کیا ہے يا أيها الناس نہیں يا أيها الذين اچھا سوری میں اگلی بار عفوا يا أيها الناس يا أيها كيف آية مخاطب کا ہے لیکن أيها كيف آية صرف یا سے کیوں نہیں چلا کام أيها کب آتا ہے پکارنے کے لیے تو یا استعمال ہوتا ہے أيها کب لگاتے ہیں जब आगे जिसको पुकारा जा रहा है उसके शुरू में अल लगा हुआ हो, आगे अल लगा हुआ है, लेकिन ये कैसे जाहिर हो रहा है कि मौन्नस है लोगों को मुज़क्कर है ना, मुज़क्कर है, मुज़क्कर में अय्युहा आएगा, मौन्नस होती तो अय्यतुहा आता, मुज़क्कर के लिए बस पॉइंट ये है कि अगर आगे अल आ रहा है तो अय्युहा आ रहा है, या अय्युहन नासु ए लोगो, ए लोगो क्या करो, उबुदु रब्बकुम इबादत करो अपने रब की, रब की इबादत करो, अल्लज़ी 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 का मतलब वो जिसने, तुम्हें तकलीफ क्या करता है, इसमें मौसूला होता है ठीक है, वो जिसने क्या किया, खलकाकुम तुम्हें बनाया, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और अल्लज़ीना अलमें अल्लज़ी की जमा है अल्लज़ीना, तुम लोगों को उन लोगों को उन लोगों को उन लोगों को, मिन कबलिकुम, कबल के मतलब पहले पहले, तुमसे पहले से है, तुमसे पहले से ठीक है। وقال في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا واركعوا اركعوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يا أيها الذين آمنوا क्या मतलब है इसका, अल्लज़ीना ए वो लोगों जो, ए उन लोगों, ए वो लोगों जो, ए वो लोगों जो, आमनु आमनु आमना युमिनु ईमानुन आमनु मतलब ईमान लाए, ईमान लाए ठीक है, ए वो लोगों जो ईमान लाए क्या करो, इरकाउ इरकाउ क्या करो, रकाउ इरकाउ का मतलब तो मिला के आमनु इरकाउ, क्योंकि मैं आमनु पे रुक रहा हूँ ना, या लगी ना आमनु बड़ा इरकाउ, फिर इसको इरकाउ पढ़ेंगे, पेश तो है ही नहीं, वो स्वाद बना हुआ है छोटा सा, वो हमजतुल वसल के लिए स्वाद बना हुआ है छोटा सा, नून के साथ जी, जब नून के साथ मिलाएंगे तब ना, मैं अभी जी बिल्कुल इरकाउ पढ़ेंगे, रका इरकाउ रुकू करो, रुकू करो, वस्जुदू क्या करो, और सजदा करो, और सजदा करो, वाअबुदू और इबादत करो, और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अपने रब की, वफालू फाले फाले का मतलब होता है करो, करो और क्या करो, अलखैरा खैर, खैर का काम करो, खैर का काम करो जी, अगर आप वाव नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप वस्जुदू पढ़ेंगे, अगर आप वाव पढ़ रहे हैं तो फिर वस्जुदू पढ़ेंगे, पीछे साउंड पे डिपेंड करता है, अगर आप साउंड जैसे आप पूरा कहाँ पे बिल्कुल सजदा यस जुदू मज़मूमुल ऐन, ऐन कलमा ज़म्मा के साथ है, अबदा या अबुदू को उबुदू पढ़ेंगे, लेकिन रका यरकाउ को इरकाउ पढ़ेंगे, फ़ाला यफ़ालू को इफ़ालू पढ़ेंगे, समिया यस्माउ को इस्माउ पढ़ेंगे, ओके आगे बढ़ो जी। अरफ़ निदा के बाद आता है मुनादा, अगर मुनादा मुजाफ होगा तो पढ़ा जाएगा मंसूब ठीक है, जैसे कि अब्दल्लाही ठीक है, अगर मुनादा मुजाफ नहीं होगा तो मुनादा जिस चीज़ पे रफ़ा पढ़ा जाता है उसी चीज़ पे पढ़ा जाएगा बग़ैर तनवीन के, जैसे कि अगर मुनादा है आपके पास हामिदुन तो आप क्या पढ़ेंगे, या हामिदू, लेकिन अगर मुनादा आपके पास है मुस्लिमूना तो आप क्या पढ़ेंगे, या मुस्लिमूना, अगर मुनादा मुजाफ है मंसूब पढ़ेंगे, या अब्दुल्लाही या इबादुल्लाही, वाहिद जमा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुजक्कर मुअन्नस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुजाफ है तो मुजाफ को मंसूब पढ़ेंगे, मुजाफ इलैह तो मजरूर रहेगा, मुनादा मुजाफ हो तो मुजाफ को मंसूब पढ़ेंगे, अब वो जैसा वर्ड होता है उसके अतबार से उसका नसब आएगा, कुछ कलिमात का नसब फतह से आता है उनका नसब फतह से पढ़ेंगे, कुछ कलिमात का नसब कैसे आता है, या से आता है उसको या से पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे या मुस्लिमी पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है, ए पाकिस्तान के मुसलमानों, मुस्लिमी वो तो मुजाफ होने की वजह से लेगा, वो मुजाफ होने की वजह से गिरेगा जी, लेकिन या यहाँ पे है नसब या के लिए है ठीक है सही ठीक है, अगर मुनादा मुजाफ नहीं हो सही,
तो अब उसको कैसे पढ़ेंगे, अब उसको उस पे पढ़ेंगे जिस पे उसका रफा पढ़ते हैं, इल्ला ये कि तनवीन नहीं पढ़ेंगे। उसका रफा कैसे पढ़ते हैं, अब मिसाल के तौर पे हामिद है, हामिद का रफा क्या होता है, हामिदुन, तनवीन हटा दें क्या बचा, हामिदू। अब मुस्लिमूना है, मुस्लिमूना का रफा किस चीज़ पे, वाओ पे, तो इसको मुस्लिमूना पढ़ेंगे, इसमें तनवीन है ही नहीं तो तनवीन की कहानी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको या मुस्लिमूनी पढ़ूंगा, ठीक है, या मुस्लिमूना पढ़ूंगा, और इस तरह अगर तस्निया होगा तो या मुस्लिमान ही पढ़ूंगा, जिस चीज़ पर उसका रफा होगा उसी चीज़ से पढ़ेंगे, इल्ला है कि तनवीन नहीं पढ़ेंगे, अगर तनवीन आएगा भी तो भी हटा हटा देंगे। ठीक है जी, ज़ाफ़िल फ़रागी फ़ीमा यली फ़ेल अमरिन मुनासिबन, अब आपने फ़ेल अमर मुनासिब बताना है, अल कुरआना या मरियमु, मरियम से खिताब है यानी अंती से बात हो रही है, कुरान के साथ वो क्या करें, इकरा था अंता के लिए, और अंती के लिए क्या हो जाएगा, इकरा ई, इकरा इल कुरआना, आप लिखने में या लिखेंगे, प्रोनाउंस करने में नहीं करेंगे, अगर प्रोनाउंस करना हो या तो फिर या को फतहा देंगे, इकरा इल कुरआना, दोनों पॉसिबल ऑप्शन पर, इकरा ई लिखेंगे, इकरा ई या के साथ, इकरा लिखे यानी हम अब या को फिर इस तरह लिखेंगे, इसमें या को इस तरह लिख देंगे, हाँ हमजा को इस तरह लिख देंगे, एक लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना, अगर अलिफ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है, एक नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, मेरे ख्याल में ऐसे ही लिखेंगे, एक रही ऐसे ही लिखेंगे, खैर लिखने का माफ है, लिखने का मसला नहीं, जो कहने का मकसद था वो ये था कि ये साकिन है ना, ये तो इन के साकिन है ना, ऐसे लिखें वैसे लिखें, लिखने का मसला नहीं, आगे फिर साकिन है तो या तो इसको यहीं से मिला दें, इकरा इल कुरआना, लेकिन अगर आपको खदशा है कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्फ्यूजन क्यों हो सकती है, दो लोग हैं सामने, एक मुजक्कर है और एक मोनस है, हाइपोथेटिकली, ठीक है, मुजक्कर को हुक्म देते तो भी क्या कहते, अगर अगर मरियम नहीं है, मिसाल के तौर पे सामने दो लोग बैठे हुए हैं, सामने दो लोग बैठे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं, अगर आप मुजक्कर को कहेंगे तब भी मसला क्या होगा, इकरा इल कुरआना होगा, अगर आप मोनस को कहेंगे तब भी क्या मसला होगा, वो तो लिखने में आएगा ना, बोलने में तो नहीं आएगा ना, ठीक है, तो अगर इस कन्फ्यूजन का इश्तिबा हो या आपको बोलना है तो आप इसको इकरा यल कुराना पढ़ सकते हैं जी, ठीक है जी, क्योंकि कसरा नहीं चलेगा यहाँ पे, इकरा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इकरा यल कुरान, इसको जो है वो फतहा, और वैसे भी आमतौर पर जैसे या से पहले अगर कसरा हो तो यहाँ पे फतहा लगाया जाता है, फायदा मुझे नहीं पता, अल्लाह वाले मैं आपको बता बता दें, अगर पीछे कसरा आ रहा हो जैसे फी है फी या कभी इस तरह आता है तो अगर या लिख देंगे तो इस पे हो जाएगा जी, लिखेंगे तो या तो लिखा जाएगा, लिखे बगैर काम नहीं चलेगा जी, सेकंड के लिए या औलाद हो, किससे बात हो रही है, औलाद जमा है या वाहिद, जमा है तो जमा मुजक्कर, अंतुम से बात हो रही है, खुब्ज़ा, खुब्ज़ क्या होती है, रोटी के साथ क्या करो, खाओ, खाओ कैसे कहेंगे, कुल अमर है वाहिद का, जमा का क्या होगा, कुलू, आगे वाव लगा देंगे जमा के लिए, कुल से कुलू अल खुब्ज़ा या कुलुल खुब्ज़ा, और कहवा के साथ क्या करो, वशरबू अल कहवता या फिर वशरबुल कहवता, वाव के साथ होगा जमा के लिए, सही आप लाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, आप ले चले हम चलने को तैयार, ये कुरान, ये कता है, ये असल में, हाँ ये हमजा है, यहाँ पे कता वो असल की बात होती है शुरू में, बाद में नहीं होती, बाद में ये हमजा है, या अलिफ होगा या हमजा होगा, ठीक है, नहीं वो अगर नीचे आपने लगा दिया तो उसको पढ़ा सिर्फ कसरा के साथ जाता, मसला है कि ये हरकत जो है परमानेंट, इसके साथ तो परमानेंट है, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ना नीचे के साथ, अगर ऐसे लिखने का दिल हो रहा हो, मुझे नहीं समझ आ रहा ऐसे लिखने का जी, 48 नंबर 3, मिनल फसली या मूसा, या मूसा क्या करो, मिनल फसली निकलो, एक वाहिद अंतस, उदखुल फिल फसल होता है, उदखुल फिल फसल, क्लास में दाखिल हो, मिनल फसली के लिए जी, या फिर फी के ना भी लगे तो उदखुल फसला हो जाता, यहाँ पे क्या होगा, ओह रुज मिनल फसली या मूसा जी, ये 11 करने हैं हमें इंशाल्लाह, ठीक है जल्दी, मुकाबला सख्त है, अर्राबे वजह कुन्ना व आईदी या कुन्ना बिस्वाबूनी, कुन्ना कौन होते हैं, मोनस, अंतुन्ना से बात हो रही है तो अंतुन्ना को हुक्म कैसे देंगे, दे नहीं सकते आप, लेकिन वैसे अगर कभी ख्याल में देना हो तो कैसे देंगे, गसला यगसिलू, इगसिलना, इगसिलना वजहकुन्ना व अयदियकुन्ना बिस्साबुन, कुछ चीज़ होती है जहन में अच्छी लगती है, जबान में आने में मुश्किल हो जाती है, अमल में आने में और मुश्किल हो जाती है, इगसिलना वजूहकुन्ना व अयदियकुन्ना बिस्साबुन, सही, रसका बिल मूसा, अच्छा यहाँ पे ये मूसा से मुराद है ब्लेड,
ये जो सेंटेंस नंबर 5 में मूसा है, अल मूसा है, ठीक है, मूसा जो नबी का नाम है वो अल के बगैर आता है। यहाँ पे जो अल मूसा है, क्योंकि मूसा वर्ड का एक मीनिंग होता है ब्लेड का, तो ब्लेड से अपने सर का क्या करेंगे, ब्लेड, बिल्कुल। हलका का फेल क्या होता है, हलका यहलिकु, तो अमर क्या बनेगा, रसका वाहिद या जमा, वाहिद, इहलक, हलका यहलिकु इहलिक, हलका यहलिकु इहलिक, रसका बिल मूसा, अपने सर को शेव करो ब्लेड से, रेजर, रेजर ब्लेड, ये तकदीरी, ये रब तकदीरी। आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाता है ना, तो इराब तकदीरी भी चला जाता है। मूसा को हुक्म नहीं दे रहे, मूसा ब्लेड है, मूसा का मतलब है रेजर या ब्लेड, तो अपना सर शेव करो ब्लेड से, सामने वाले को, अंता को, रासका, आप रयान को कह दें इखलक, इखलक रासका, अल अल लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, अगर आप अल हटा भी देंगे तो मूसा ब्लेड के माने में आएगा, मूसा नहीं लेकिन फिर कराएगा, छोड़ें उसको भी वर्ड पर टाइम अभी ना जाएगा, ये रूल्स आगे आने इंशाल्लाह, ये तालीलात हैं जी। नंबर 6, हाजिहिल अक्रब, उक्तुल हाजिहिल अक्रबा या अभी, ए अबू, इस है मेरे अबू, इस किसको, बिच्छू को कत्ल कर दें। قال خالد لزميله ही जकरिया, खालिद ने अपने जमीर जकरिया से कहा, मा मायना हाजिहिल कलिमा, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। قال زكريا انا لا ادري سأل يسأل اسأل इस अलिल मुदर्रिसा, अना ला अदरी, ला अदरी, ला आरिफ, मैं नहीं जानता, इस अलिल मुदर्रिसा, साला या सलो से, इस अलिल मुदर्रिसा, मुदर्रिस से सवाल करें। नंबर 8, अल्लहमा बिदा का सिक्कीन, लहम किस चीज़ को कहते हैं, गोश्त को, इस या उस, असिक्कीन अलहाद, तेज छुरी, और खदीजा से बात हो रही है, खदीजा तेज छुरी से गोश्त का क्या करें, काटने को क्या कहते हैं, कता, कता, इक्ता, कता, यक्ताउ, इक्ताई, इक्ताई या के साथ, अल्लहमा बिदा का सिक्कीन, अलहाद का मतलब होता है तेज, ठीक है जी, हाद तेज, शार्प, सही। इस्मका अला दफ्तरी का या अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान साहब अपने रजिस्टर पर अपना नाम क्या करें, उक्तुब, उक्तुब इस्मका अला दफ्तरी का या अब्दुलरहमान। नंबर 10, قالت قالت المدرسة للطالبات अलआना इलल मकतबती, इलल मकतबा क्या करेंगे, जाइए, अभी जाइए मकतबे की तरफ, जाने का ज़हबा यज़हबु, अमर इज़हब लिल वाहिद, जमा मुअन्नस के लिए इज़हबना, तालिबात को कहा तो इज़हबना अलआना इलल मकतबती, और फिर वहाँ पे क्या करें, सुहुफ़ अल मजल्लात को क्या करें, पढ़ें, जमा जमा, वक़्रना, जमा है तो नून के साथ आएगा, वक्रा न सुहफा वल मजल्ला, मजल्ला के आखिर में क्या पढ़ूं, जाओ यार भाई इनसे समोसे खा लीजिएगा, ये वल मजल्लाती, क्यों, इकरा नल सुहफा वल मजल्ला, ये होता है, ये होता है, क्या होता है, जमा मुअन्नस का इराब नसब कसरा के साथ है, सही, वाओ की वजह से जी, लेकिन नहीं इसमें अल मजल्लाती पढ़ेंगे, मंसूब ही है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम मंसूब होता है कसरा से, ठीक है, कैसे अटक गई ना, जी जी हो जाता है। सुम्मा, सुम्मा क्या करें, इलल फसली बाद निसफी साअतिन, आधे घंटे बाद फसल की तरफ क्या करें, हाँ तो आने को क्या कहते हैं, इलल फसल कैसे करें, फसल की तरफ क्या करें, सवाल के लिए आप इधर दाखिल ना, इनकी तरफ क्या करें, कोई और सिनोनिम भी सोच लें, खाने के लिए आप मताम की तरफ जाएं, और जाने के अलावा हदीस में सवाल के लिए आप शेख उबैद की तरफ भाई जाएं, के अलावा भी और बता दो, रुजू करें, रुजू करें जी, रुजू करें, रजा यर जीऊ, तो इर जीना, इर जीना इलल फसली बादन इसके साथ है। الاخير يا عمارو منديلك واسخ جدا, منديل किसको कहते हैं जी, रुमाल हो गया, वसिख किसको कहते हैं, मैला, बहुत ज्यादा मैला हो चुका है, क्या करूं अब इसको, फगसिलहु, غسل يغسل اغسل और फगसिलहु अमर का। अभी आपको क्या बता रहे हैं, गौर करें, اقسام الفعل ثلاثه, फेज है वो तीन तरह का होता है, माबन व मضارع व امر, माजी مضارع और امر, نحو ذهب ماضي يذهب مضارع اذهب इसका امر, ठीक है, ذهب يذهب اذهب,
الكلمات الجديدة عقرب جمعه عقارب كما مطلب عقرب كما مطلب بتشو حذاء جمعه أحذية اس كما مطلب حذاء جوتے بارك الله فيك جوتے جنة جنات آپ جانتے ہیں انشاءاللہ نعسان وجمع مؤنثه نعسا اونگنے والا ڈراؤزی یوننگ ٹائپ کا کوب اور جمعه اقواب کپ صوت جمعه اصوات آواز ید جمعه ایدی والایدی ہاتھ زوج للمذکر والمؤنث مذیاع ریڈیو جو موسم غریب غربا اجنبی بارك الله فيك اجنبی اور غریب کو کیا کہتے ہیں عربی میں مسکین اور فقیر صحیح موسن موسن کیا ہے جی بلیڈ مظلم کیا تھا اندھیرا یا اندھیرے والا اندھیری تاریخ تاریخ بالکل صحیح تاریخ کنسا یکنسو نہیں وہ سکھنا یسکن تھا کنسا یکنسو جھاڑو دینا نظر ینظرو دیکھنا سکھتا یسکتو خاموش ہونا اس کے بعد کیا ہے جمع یجمعو جمع کرنا اجتماع یجتمع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا اور طبق یطبخ پکانا قطع یقطع کاٹنا حلق یحلق حلق ابھی حلق نہیں کریں ابھی حلق یحلق رہتے کوئی بات نہیں حلق بھی آتا ہے فعل لیکن یہاں پہ حلق یحلق ابھی تک ہے عبد یعبد عبادت کرنا علم یعلم جاننا منع یمنع منع کرنا روکنا اور عاز یعوز پناہ ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ان شاء اللہ پھر اگلے جمعرات کو ملاقات ہوگی آپ آئیں گے 9-10 محرم کو بدھ کے دن پیریڈ نہیں ہوتا مطلب کہاں کرتے ہیں آپ لوگ ملاقات بڑے لوگ ہیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد صحابہ کے بارے میں آپ نے بک پوچھی ہے صحابہ کے درخشاں پہلو سیرت صحابہ کے درخشاں پہلو اسحاق بٹی اور اس طرح دارالسلام میں بھی کئی صحابہ پر اس طرح کی کتابیں چھپی ہیں اور الگ الگ صحابی کی سیرت پر بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں استفادہ کیا جا سکتا ہے صحابہ کے بارے میں ایک عربی میں بہترین کتاب ہے الاصابہ یہ تمیز صحابہ شاید اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے الاصابہ کا یہ بہت ہی مستند کتاب ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جہاد کے حوالے سے کچھ اقسام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ کچھ بنیادی پہلو واضح ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو جہاد کے کئی مراتب اور درجات ہیں ٹوٹل اہل علم نے 13 ذکر کیے ہیں کچھ ہر ایک پر فرض عین ہے اور کچھ فرض کفایا ہے فرض عین اور فرض کفایا میں فرق جانتے ہیں فرض عین جس نے جو ہر ایک نے کرنا ہو وہ فرض کفایا کہ ایسی مقدار مسلمانوں کی ایک مقدار ایک افراد ایک جماعت جو ایک کام کر لے تو وہ دوسروں سے کیا ہوتا ہے فرض کفایا کے طور پر دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے جی بنیادی طور پر 4 قسمیں اس کی جہاد کی نمبر 1 جہاد بن نفس دوسرا ہے شیطان کے خلاف جہاد جہاد بل ابلیس کہہ لیں بالشیطان کہہ لیں تیسری قسم ہے جہاد بالکفار اور چوتھی ہے جہاد بالمنافقین جو پہلی قسم ہے جہاد بالنفس اس کے 4 درجات اور مراتب ہیں اس کے 4 مراتب کہہ لیں یا درجات کہہ لیں نمبر 1 یعنی پہلا مرتبہ جہاد بالنفس کے 4 مراتب ہیں ٹھیک پہلا مرتبہ
हक की मार्फत के लिए इल्म के हुसूल के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना, हक की मार्फत के लिए हुसूल इल्म के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना, क्योंकि सही इल्म के बगैर दुनिया और आखिरत की सआदत मुमकिन नहीं है, क्योंकि सही इल्म के बगैर दुनिया और आखिरत की सआदत मुमकिन नहीं है। इसके लिए आप देखें ना, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पहली वही में क्या कहा, इकरा, क्योंकि इब्तदा यहीं से होगी, और वो भी यानी ऑर्डर के साथ है, अमर है, पढ़िए। नंबर दो, दूसरा मर्तबा जी, अब उसी तरतीब से ही है, बेतरतीब चलेगा ये। नंबर दो, हुसूल इल्म के बाद अमल के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना, हुसूल इल्म के बाद अमल के लिए नफ्स से जिहाद करना। नफ्स जाहिर है कभी इल्म के हुसूल में करनी कतर आएगा, और कभी इल्म आ गया तो अमल से करेगा, अब मजबूर करना पड़ता है। क्योंकि अमल के बगैर दुनिया और आखिरत में सआदत मुमकिन नहीं है, यानी इल्म भी जरूरी है तो इल्म के बाद अमल भी जरूरी है। दो हो गया, तीसरा मर्तबा, अमल के बाद इस हक को आगे मुंतकिल करने के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना, अमल के बाद इस हक को आगे मुंतकिल करने के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना। क्योंकि कितमान इल्म भी जुर्म है, क्योंकि कितमान इल्म भी जुर्म है, यानी हक को छुपाना। खुद हदीस में ना, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, और फिर नबी अलैहिस्सलाम का फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया। चौथा मर्तबा, दावत दीन में आने वाली तकलीफ के लिए नफ्स के साथ जिहाद करना, यानी नफ्स को सबर पर आमादा करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जालिम में चला गया और मकजूबी आलिम में चला गया। पांचवा सवाल यही है ना, अपने इल्म के मुताबिक अमल पेश करो। और फिर मकजूबी आलिम यहूदियों को क्यों कहा गया, इल्म था अमल नहीं था, और फिर और अगर आपने अमल किया इल्म नहीं था तो जालिम, इसलिए जरूरी है, लाजिम मलजूम है। चौथा पॉइंट रिपीट कर दें, सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में रिपीटिंग का ना, वरना मैं होता को बटन दबा देता रिपीट हो जाता, तो इंशाल्लाह वो जिन्होंने लिखा होगा वो रिपीट कर देंगे। कोई लिख दे इनके चौथा पॉइंट। अच्छा, ये चार मरातिब के बाद इंसान बन जाता है रब्बानीयीन, उलमाए रब्बानी जिसको कहते हैं ना कुरान में, कूनु रब्बानीयीन, रब वाले बन जाओ। ये चार मरातिब के बाद इंसान रब्बानीयीन की लिस्ट में आ जाता है। इन चार मरातिब को इख्तियार करने या तय करने के बाद उलमाए रब्बानीयीन में शामिल हो जाता है, रब वाले जो रब से बहुत ज्यादा करीब होते हैं। जी दो या ये तो हो गया चार मरातिब नफ्स के ताल्लुक से। अब आपने कहा शैतान के खिलाफ जिहाद के दो मरतबे हैं, शैतान के खिलाफ जिहाद के दो मरतबे हैं,
نمبر ایک پہلا مرتبہ ایمان ایمان میں پیدا ہونے والے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے شیطان سے جہاد کرنا. حدیث میں آتا ہے نا, شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے خیالات آ رہے ہیں, خیالات اتنی زبردست زمین ہے کس نے پیدا کی, آسمان کس نے پیدا کیا, پہاڑ کس نے پیدا کیے, آہستہ آہستہ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا, انبیاء کو کس نے پیدا کیا, کرتے کرتے آخر میں پوچھتا ہے فمن خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. علی عزب اللہ فرمایا کہ شیطان کی چال ہوتی ہے, اب بس تعبس پڑھو اور کہو آمنت باللہ, آمنت باللہ. جب یہ خیالات اس طرح آنے لگ جائیں تو ایمان کے اندر ایک شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو فوراً یہ تعبس پڑھ لینا اور آمنت باللہ کہہ دینا, یہ کیا ہے, شیطان سے جہاد ہے. یہ نمبر دو, شیطان کی طرف سے فاسد ارادے اور شہوات دور کرنے کے لیے شیطان سے جہاد کرنا. شیطان کی طرف سے فاسد ارادے اور شہوات دور کرنے کے لیے جہاد کرنا, فاسد فساد سے, فاسد. یہ کیسے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا, وہ کہتا ہے یار چھوڑو نماز پڑھ کر کیا کرو گے, جوان ہو کام کرو, بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لینا, زکات دے رہے ہو صدقہ کرو گے, بیوقوف ہو گئے, اس سے اپنا گاڑی خرید لو. آتا ہے نا آپ نے قربانی, بڑی شوق ہے قربانی, غریب مر رہے ہیں تمہیں قربانی کیا پڑ گئی, فلاں کی بچی کا بیاہ نہیں ہو رہا تمہیں حج کی پڑی ہوئی ہے. اچھا ان کو آتا ہی عبادات کے موقع پر یہ خیال ہے, جہاد آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں تو اس طرح کے خیالات آپ کے سامنے لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں گے. اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے ملحد قسم کے ہوتے ہیں, دین کے تعلق سے بہترین گاڑی ہوگی ان کے پاس, بہترین موبائل ہوگا, اس وقت یاد نہیں آتی بیچ کر سائیکل لے لے اور یہ بچے کسی بچے یا بچی کے بیاہ میں لگا دے, نہیں صرف قربانی یاد آئے گی اور ان کو حج بیت اللہ عمرہ یاد آئے گا. ہاں شاہانہ شاہانہ. کثرت سے اذکار, کثرت سے تلاوت, کثرت سے وہ پابندیاں جو شریعت میں اس پر لگائی ہوئی ہیں, مثلاً گھر سے نکلتے وقت دعا, بیت الخلاء میں داخل ہوتے دعا, نکلتے کی دعا, صبح سورج نکلنے سے پہلے اذکار, سورج غروب ہونے سے پہلے کے اذکار, یہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا بہت بڑا جہاد ہے. یہ نفس کے ساتھ بالکل شیطان کے خلاف کر رہے ہیں, کیونکہ شیطان چاہ رہا ہے کہ آپ اچھے کام نہ کریں, جب آپ اچھے کام کریں گے یہ شیطان کے خلاف جہاد. اور یہ بتائے آپ کو کہ شیطان کی طاقت اور شیطان کو جو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں, اس نے قسم کھا کر کہا تھا میں دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, اور میں وار کروں گا ان پر. اور کیا کہا اس نے, میں اکثر تیرے بندوں کو تیرا ناشکرا بنا دوں گا. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, صدق علیہم ابلیس ظنہ, واقعتاً اکثر بندے شاکر نہیں ہیں, وقلیل من عبادی الشکور, شاکر بندے بہت کم ہیں. بہکار ہے کس زاویے, اور بہکانے کا انداز بھی کیا ہے, صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے, یا تو شلوار پہنی ہوگی اس نے دین حق کی, یا قمیض پہنی ہوئی ہے, یا ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس نے, یا تصویر ہے اس کے پاس. صراط مستقیم سے جڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ محبت تو یہی ہے, عشق تو یہی ہے نا, جو جتنا زیادہ روئے گا اتنا زیادہ وہ مظلوم ہے. شیطانی آنسو بھی تو ہوتے ہیں نا. ہاں علم دین کے تعلق سے کچھ لوگ واقعتاً ایسا کہتے ہیں کہ چھوڑو اس علم سے کیا ہوگا. ہاں واقعتاً اس علم سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ شہرت, وہ وسائل نہ مل سکیں جو آپ کو دنیاوی علم سے مل سکتے ہیں, ہو سکتا مل بھی جائیں, لیکن آخرت میں جو سعادت اس علم کی وجہ سے ہے وہ یقینی ہے, وہ یقینی ہے. اس لیے قرآن میں ایسے خیالات رکھنے والوں کو اللہ نے بیوقوف کہا ہے, بیوقوف ہیں یہ. آگے بڑھتے ہیں, یہ ہم نے شیطان کے خلاف جہاد کی دو قسمیں پڑھی, جہاد بن جہاد کی پہلی قسم کیا تھی, بن نفس, دوسرے بش شیطان کے دو مرتبہ آپ نے پڑھے. جو پہلا مرتبہ ہے نا اس کو کہتے ہیں, اس مرتبے کے بعد کے حوالے سے ہے کہ اس کے بعد انسان میں یقین پیدا ہوتا ہے, یعنی شیطان کے خلاف جہاد کے پہلے مرتبے کے حصول سے یقین پیدا ہوگا
और दूसरे जो मर्तबे के हुसूल के बाद सब्र पैदा होगा, पहले मर्तबे के बाद यकीन और दूसरे मर्तबे के बाद सब्र पैदा होगा। जब आप शुकूक शुवात खत्म हो गया, यकीन आ गया, और जब वसवसे और शहवात आपके सामने आ रही है और आप उसको धकेल रहे हैं, सबर है। और आपने सबर की तीन किस्में पढ़ी हैं, पढ़ी ना सबर। पहली किस्म क्या है? बिल यमीन। नहीं यहां नहीं, वैसे सबर की तीन किस्में है ना, इतात पर सबर करना, मासियत को तर्क करके सबर करना, और इन दोनों चीजों को तय करते वक्त जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ पर सबर करना। मासियत को तर्क करके सबर करना और फिर जिंदगी में आने वाली हर तरह की तकलीफ उस पर सबर करना। कभी बीमार हैं, कभी मोबाइल छिन गया, कभी गाड़ी छिन गई, और कभी नौकरी छिन गई, कभी तरक्की नहीं हो रही, कभी आपकी जो घाटे में सौदा चला गया, कभी बच्चे का इंतकाल हो गया, कभी किसी अजीज का इंतकाल हो गया, कभी आप खुद बीमारी में मुबतला, ये तकलीफ हैं जो जिंदगी में आती हैं। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। देखें, इताअत, पांच वक्त नमाज पढ़नी है, सर्दी है, गर्मी है, मस्जिद में जाकर पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है, अव्वल वक्त पे पढ़नी है, रमजान का महीना गर्मी में आए, सर्दी में आए, दिन बड़े या छोटे, रोजे रखने रखने, आपके पास पैसे हैं, वक्त है, जाए जिहाद करें, चाहे जितना बड़ा पैसा लग जाए, इस्तेमाल दिया ना, निकले, आपको 20 दिन के लिए जाना पड़े, 30 दिन के लिए, लेकिन जाएं, आपको दुश्मन के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, जाएं, जान का खतरा है तो जाएं, शैतान रुकेगा, सब्र करना है। इसी तरह आ जाएं मासियत, आपके सामने पैसे पड़े हैं, मोबाइल पड़ा है, कीमती कोई भी नहीं है, सोने का हार पड़ा हुआ कोई भी नहीं, इम्तिहान है ना आपका, उठा के ले जाएं, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं, लेकिन उठाएंगे तो मासियत है, सब्र करें। इसी तरह सारे बुराई में मुब्तला है, अकेले आप रह गए, वो भी सूदी कारोबार कर रहा है, वो भी दो नंबरी कर रहा है, और वो आगे जा रहे हैं, और आप रिस्क हलाल के साथ बड़े महदूद वसाइल के साथ हैं, शैतान कह रहा है कि रास्ता खुला है, आपको एक पेशकश होती है, थोड़े से पैसे दो, 20 ग्रेड में लगा दूंगा, आने की जरूरत नहीं स्कूल में, अपना काम करो, तनख्वाह जारी करेंगे, 5,000 में देते रहना। शैतान के वसायल हैं, ऐसे आपके सामने आएंगे, किसी मुश्किल में फंस गए, कसूर आपका था और आपको 10,000 पे जुर्माना आ गया, क्योंकि गलती आपकी थी, लेकिन आपको पेशकश की 1,000 रुपया दो, 9,000 माफ हो जाएंगे, आपने रिश्वत 1,000 रुपया दी, 9,000 बचा लिए। ये वो मासियत के प्रोग्राम है जिनको तर्क करके सबर करना है। नाफरमानी, हम कहते हैं सबर, सिर्फ हमने सिर्फ यही समझा है, मुसीबत आ गई रोना नहीं है, बस अल्लाह का फैसला है, नमाज आप पढ़ते नहीं है, झूठ कभी आपने छोड़ा नहीं है, ठीक है, सच आपने कभी बोला नहीं है, और आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबर किया है, तो सबर है कहाँ, सबर का एक जुज है आपके अंदर, हाँ, ये तीसरा जुज है, तीन जुज होंगे तो जाकर आप साबिर बनेंगे। वबशिर साबिरीन, साबिरीन के लिए, साबिर कहते हैं इसको। और फिर कभी सबर ऐसा भी तो रो धोकर जब आंसू आना ही बंद हो गया, अल्लाह का फैसला है जी, फैसला तो है, लेकिन अब आप रो धोकर अब जब सब्र कर रहे हैं, जब आंसू ही नहीं आ रहे, रोना जायज है, लेकिन रोना जो हमारा है, पीटने वाला बाबेला अक्सर ऐसे ही होता, ठीक है, आपने यूं भी कर लिया ना, हत्ता कि यूं भी कर लिया, ये नौहा में है, ये मातम में से है, मातम में से। बस इस मुसीबत के मौके पर फरिश्ते मौजूद होते हैं, जो कहते हैं वो आमीन कहते हैं। अगर आप कहते हैं बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फरिश्ते कहेंगे आमीन, हो गया काम पूरा, जी बिल्कुल, फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं, मा तकुलून, जो इस मुसीबत पे तो आप कह रहे होते हैं, इसलिए सबर के साथ क्या कहते हैं, सबर पर इस्तिकामत भी जरूरी है ना, इस्तिकामत ये कभी तो शिकवा नहीं होना चाहिए, शिकवा नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था जब आपके लगते जरे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, तो आपने क्या अल्फाज अदा किए थे, वला नकूलु इल्ला मा यरदा बिही रब्बुना, इस मौके पर हम सिर्फ वही अल्फाज अदा करेंगे जो अल्फाज मेरे रब को राजी कर दें, शिकवा नहीं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत पर मबनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के ताल्लुक से एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, ऐन अदल है अल्लाह का फैसला, और बंदे के मफाद में होता है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कभी ऐसा होता है कुछ चीजें तुम्हें बुरी लग रही होती हैं हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती हैं, कुछ चीजें तुम्हें बहुत अच्छी लग रही होती हैं वो तुम्हारे लिए बुरी होती हैं, तुम जानते ही नहीं हो, और अल्लाह तुम्हारे बारे में बेहतर सोचता है, बेहतर फरमाता है, बेहतर फैसला करता है। चूंकि हम सारे जाहिर को देखकर फैसले कर रहे होते हैं, बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा था हम कहते हैं ये ठीक है, उसकी हकीकत को, जैसे वो खुद उसमें सूरह कहफ में है ना,
खिजर अल इस्लाम ने बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो फौरन मूसा अल इस्लाम ने क्या कहा था कि आपने बच्चे को कत्ल कर दिया, ये बच्चे का क्या कसूर था, ये है वगैरह। तो खिजर ने क्या कहा था कि आपने सब्र नहीं किया, लिहाजा मुफारकत होगी। बाद में वजह पूछी तो वजह था कैसे माकूल थी, ये बच्चा अगर बड़ा होता इसकी वजह से इसके माँ बाप काफिर हो जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे को लिया और इसके बदले ऐसा बच्चा दिया जो इनके लिए बेहतर हो, ऐसा बच्चा देगा जो इनके लिए बेहतर हो। अब कश्ती में सुराख कर दिया, बज़ाहिर तो जुल्म है लेकिन कितनी बड़ी खैर खाई थी कि सुराख वाली कश्ती कोई लेगा नहीं, अगर सही होती तो वो छीन लेता है ना। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपने गाड़ी खराब कर दी, लेकिन हकीकत ये आपको है कि ये गाड़ी की खराबी इसके लिए बेहतर बन गई। तो इसलिए हर चीज को जाहिर से तोलना नहीं चाहिए, जब अल्लाह की तरफ से ये फैसला है तो यकीन कर ले मेरे लिए बेहतर होगा, और इसी में सब्र आएगा, सब्र आएगा भी इसी में। जब हम कहते हैं कि जुल्म हो गया, मैं ही नजर आता हूँ अक्सर ऐसे होते हैं, सारी मुसीबत मेरे लिए, सारी बीमारियां, वो नमाज पढ़ता नहीं है और कुछ बीमारी नहीं है, मैं कभी नमाज छोड़ता नहीं, बीमारी मेरे घर में आई हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें यही बीमारियां लेकर गुनाह से पाक कर रहा है, और आखिरत में जब जाओगे तुम्हारे जिम्मे कोई गुनाह नहीं होगा। ये मोमिन का ही तो खासा है कि बीमारी भी आए तो इस बीमारी से सारे गुनाह माफ हो जाते। जो काफिर है, जो मुशरिक है, उसके थोड़ी गुनाह माफ होंगे। तो उसको अगर मुसीबत नहीं आ रही तो दुनिया में सब कुछ मिल गया, और अगर हमें मुसीबत आ रही तो इस मुसीबत में दुनिया में सब्र करना और आखिरत में कोई तकलीफ नहीं। अभी तो हमने सिर्फ चार मरतबे पढ़े दो किस्में और बात एंड करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगली क्लास मैं ले लूँ, सुभान अल्लाह, मैं यहाँ फ्री बैठा हुआ हूँ, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। किसके पूरे करेंगे इंशाल्लाह तेरा। आपकी क्लास सुकड़ती जा रही है, क्यों? सर्दियां तो शुरू नहीं हुई, बह गए। हाँ ये बात भी है, पहले बारिश थी तो अब बिदात, पहले रहमत की बारिश थी, अब बिदात की बारिश है, अब फिर बता रहे हैं दो दिन बाद बारिश शुरू हो रही है। नौ दस को हो जाए टिका कर इंशाल्लाह, कम से कम नौ दस को तो अच्छी खासी हो जी। हाँ यहाँ बारिश के बाद कीड़े निकले हैं, पिछले कुछ अरसे पहले बारिश ऐसी आई थी कि वो नुमाइश में जो कंटेनर रखे हुए थे तैर रहे थे, ऐसा हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। कोहाट में यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है आज कराची में। साहब देखें, मैंने आपको शायद बताया भी था कि ये वाहिद फिरका है, कुछ फिरकों में से ये वो वाहिद फिरका है जिसका वजूद ही इस्लाम दुश्मनी है। चार मैंने पांच बताए थे आप लोगों को अगर याद हो, एक रवाफिज, इसके अलावा चार और कौन से हैं? मुनकरीन हदीस नंबर तीन, कादियानी नंबर चार, सूफियत और नंबर पांच खवारिज। ये पांच हैं जिनका वजूद इस्लाम के नाम पर इस्लाम दुश्मनी के लिए। इसके अलावा जो फिरके हैं ना, वो जहालत, अदम इल्म, अदम मारफत और तकलीद, रस्म और रिवाज, उसकी वजह से दीन से, यानी दीन के दुश्मन नहीं है लेकिन जहालत की वजह से सही दीन से दूर हैं, लेकिन ये पांच हैं ही दुश्मन दीन के। इसकी हर कोशिश इस्लाम के खिलाफ होती है, इस इलम भी है बल्कि बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिवीजन करा सकते हैं आप? अफ़आले क़ुलूब के बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा ही बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं बताया था, कि अफ़आले क़ुलूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत अफ़आले ज़ाहिरा के, यानी जो आज़ार से अफ़ाल किए जाते हैं, क्योंकि वो हमने इकबाल का शेर भी पढ़ा था, तू सोचता कहीं और है और झुकता कहीं और, तेरे सजदे तुझे काफिर ना करते हैं। याद होगी मुझे शेर, सही पढ़ा क्या? वापस बताएं शेर, बताएं। तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू सोचता कहीं और झुकता कहीं और है। ठीक है।
तो पहला बाब जो है वो मोहब्बत के बारे में, अभी हम पढ़ते हैं इसको, कुछ मोहब्बत के बारे में बातें कर लें। ये एक खास मोहब्बत है और वो है अल्लाह से, नहीं इसको इश्क ना कहें, कि इश्क जो है ना ये लफ्ज़ पसंदीदा नहीं है, ये कुरान हदीस में भी नहीं है, और इश्क में जो है ना फिजिकल एलिमेंट आता है, तो ये अल्लाह के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत है, ये सूफिया की बातिल इस्तिलाहात है। और ये जो सूफिया की इस्तिलाहात उर्स है, ये उर्स भी इसी है ना, उर्स क्या होता है ये, उर्स जो है वो रुखसती या दुल्हन को शादी के ब्याह में ये अल्फाज इस्तेमाल, उर्स वगैरह, हाँ तो ये सूफिया की है कि इश्क अल्लाह ताला से और उनका उर्स, ये इसी तरह की गंदी गलीज इस्तिलाहात है, लिहाजा इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह पाक है, अल्लाह के साथ हम इस तरह की बातें और इस तरह के अल्फाज बेअदबी है। ये कह रहे हैं डेथ एनिवर्सरी को उर्स कहते हैं, जी हाँ वो आपको बताते हैं, डेथ एनिवर्सरी मुराद उनकी उर्स जो होती है वो कुछ और होता है। अच्छा जी, तो मोहब्बत क्या है जी, मोहब्बत की मैं कोई तारीफ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मोहब्बत एक फितरी तसव्वुर है, हर कोई जानता है कि मोहब्बत क्या होती है, ठीक है, मोहब्बत क्या होती है हर कोई जानता है, इसका माना क्या है, जितने भी मैं तारीफ करूँगा आप उससे मुख्तलिफ तारीफ ले आएंगे, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। बहरहाल उलमा ने अगर कुछ तारीफ की है तो कुछ ये तारीफ जो है वो इस तरह कुछ इसके इर्द गिर्द घूमती है कि मोहब्बत दिल का मैलान किसी फितरी या अकली एतबार से, फितरी या अकली एतबार से किसी पर दिल का मैलान, दिल का उस तरफ माइल हो जाना। लेकिन बहरहाल बेहतर यह कि हम तारीफ ना करें, क्योंकि मोहब्बत एक इंसान के अंदर फितरी कॉन्सेप्ट है, और फितरी कॉन्सेप्ट को जितना आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे उतना ये पेचीदा हो जाता है, ये फितरत का एक हुसन है, जितना भी सिंपल फितरी कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नहीं बस मोहब्बत मोहब्बत रखें इसको हम। अच्छा नहीं ये नहीं। अच्छा मोहब्बत जो है इबादत का मगज है, इबादत की रूह है, मोहब्बत इबादत का मगज, इबादत की रूह है। इब्नुल कय्यिम रहमहुल्लाह इबादत के अरकान की जब मिसाल बयान करते हैं तो कहते हैं कि इबादत के ये जो अरकान हैं मोहब्बत और सॉरी इबादत के जो अरकान हैं उम्मीद और खौफ, ये परिंदे के दो पर की मानिंद हैं, और परिंदे का जो सर है वो मोहब्बत है, ठीक है, तो उम्मीद और खौफ को जब तक एक साथ बैलेंस करके चलेंगे तो आप सही से इबादत कर पाएंगे, और जो उसका सर जो कि मगज़ है, जो कि मेन एसेंस है इबादत की, वो मोहब्बत है, यानी इबादत जो है मोहब्बत जो है वो मेन ड्राइवर है इबादत का, आपको इबादत पर उठा के लाने वाला, ड्राइव करने वाला ये मोहब्बत है, मोहब्बत ही मेन चीज़ है जिस बुनियाद पर आप इबादत करते हैं, फिर उस इबादत में खौफ और उम्मीद आता है, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। तो मोहब्बत जो है वो एक इबादत की रूह है, अगर मोहब्बत नहीं है इबादत में तो फिर वो इबादत ही नहीं, इसीलिए इबादत को, इबादत की डेफिनेशन क्या है, इबादत को कहते हैं कि ग़ायतुल हुब्बी मा ग़ायतुल ज़ुल, ये इबादत की एसेंस है। क्या है इबादत की एसेंस? मोहब्बत की गायत और ज़िल्लत या इंकिसारी की भी गायत के साथ, यानी इबादत में दो चीज़ें होना ज़रूरी है, ग़ायतुल हुब्ब, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोहब्बत, सबसे आला दर्जे की मोहब्बत, ग़ायतुल हुब्ब, और ग़ायतुल ज़ुल, सबसे आला दर्जे की इंकिसारी और ज़िल्लत, ज़िल्लत मतलब अल्लाह के सामने अपने आप को ज़ुल, हाँ ज़ाल वाला ज़ुल है, जैसे कि सूरह दहर में भी आता ना, क्या है सूरह दहर की आयत, सूरह दहर की आयत है जन्नतियों के बारे में है, ज़लूला क्या है, पढ़ें शुरू से पढ़नी पड़ेगी, हाँ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت कुतुफ हुआ दुल्लिलत, इसके लिए हमने कितना कुछ पढ़ना पड़ा हमें, ठीक है, दुल्लिलत कुतुफ हुआ खोशे, जन्नती चाहेंगे कि मुझे फला फ्रूट का खोशा मिल जाए, तो खोशे दुल्लिलत जलील होके नीचे, जब एक शख्स जलील होता है ना तो बिल्कुल अपने आप को गिरा देता है, ठीक है, तो वो खोशे जो है बिल्कुल आजिजी के साथ इंसान के हाथ में आ जाएंगे और झुका देंगे, यानी दरख्त अपने आप झुका देगा, तो ये जुल का माना समझाना चाह रहा हूँ, ये
उर्दू वाला जलील नहीं है, उसमें तो नेगेटिव है ना, जलील नहीं, जलील का माना उर्दू में इंसल्ट करना है। इंसान अपने आप को इंसल्ट नहीं करता अल्लाह के आगे, इंसान अपने आप को धुल्लिलत आजिस और तोड़ देता है, अपना आप गिरा देता है, ये माना है। इसका उर्दू में तर्जुमा नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना सब कुछ समझा रहा हूँ। धुल्लिलत का उर्दू में या दुल गायतुल दुल जो इबादत की लुब लुबाब है ना, इबादत की दो चीज़ों का नाम है, गायतुल हुब व गायतुल दुल, ये गायतुल दुल समझा रहा हूँ। ये दुल जो है ये इसका उर्दू में मुझे ट्रांसलेशन अच्छी नहीं मिली, इनके सारे लोग कर देते हैं, आज ही कर देते हैं, लेकिन इसमें भी अभी वो दुल का माना नहीं आ रहा। दुल का माना यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल झुका देना, गिरा देना, डाल देना लगे आगे, सरेंडर करना, सबमिट कर देना, ये सारी चीज़ें। तो इबादत में ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, गायतुल हब व गायतुल दुल। अगर खौफ इबादत अगर हाँ लेके आ रहा है, लेकिन इबादत में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। खवारिज ने अल्लाह की इबादत की खौफ के ज़रिए, सूफिया ने इबादत की अल्लाह की मोहब्बत के ज़रिए, अहले सुन्नत ने अल्लाह की इबादत की मोहब्बत और खौफ के ज़रिए। अभी मैं इस पर आऊँगा इंशाल्लाह। ये जो है ना गायतुल हुब व गायतुल दुल, ये जो है ना इबादत की हकीकत है, ये इबादत में होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर खौफ मुझे अल्लाह की इबादत के लिए ले आता है, तो ठीक है ले आ रहा है, मुझे अल्लाह के अजाब का डर है इसलिए मैं इबादत पे आ गया, लेकिन इबादत में मोहब्बत होनी चाहिए जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, सिर्फ खौफ नहीं। खौफ की बुनियाद पर सिर्फ इबादत नहीं होती है। हाँ अभी मोहब्बत आएगा ना, रिस्पेक्ट और मोहब्बत में फ़र्क है, रिस्पेक्ट मोहब्बत नहीं है, रिस्पेक्ट तो अदब को कहते हैं। हाँ तो बता ही रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ से बात निकली। बहरहाल ये जो चीज़ है ना, ये ड्राइवर है इबादत का, मेन मगज है, सर है, ठीक है। अगर खौफ और उम्मीद पर है ना, अगर एक आध थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाए तो क्या ख्याल है, उड़ लेगा ना परिंदा, लेकिन अगर मोहब्बत ही कट ऑफ हो जाए तो डेड, खत्म, मर गया। ये इसीलिए आती है। और हाँ मोहब्बत तो सर है ना, उम्मीद और डर, उम्मीद किससे, अल्लाह से, अल्लाह के सवाब की उम्मीद, और डर किससे, अल्लाह के अजाब से डर, इसीलिए इबादत करता है ना इंसान। मोहब्बत तो मेन इबादत की रूह है, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौल अला उहिब्बुल आकिलीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा सितारा, हादा रब्बी, फिर जब वो फलम आफला, जब वो झुकना चला गया, गुरूब हो गया, ला उहिब्बुल ला उहिब्बू कहा, ला अबुदुल आकिलीन नहीं कहा, कि मैं गुरूब होने वाले से मोहब्बत नहीं करता। हालांकि क्या होना चाहिए था, ला अबुदु, मैं इबादत नहीं करता, लेकिन चूंकि मोहब्बत इबादत का इतना बड़ा जुज है कि गोया मोहब्बत ही इबादत है, हालांकि अलग ऐसे नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अलहज अराफा, ठीक है, इसी बाब से है कि मोहब्बत इतना पावरफुल एलिमेंट है, लेकिन अगर सिर्फ मोहब्बत है और उम्मीद है और खौफ नहीं है, तो ये इंसान जो है वो इससे जिंदगी या सूफी बन जाता है। और अगर सिर्फ खौफ है और मोहब्बत और उम्मीद नहीं है, तो फिर खारजी बन जाता है। और सिर्फ उम्मीद है, मुर्जिया बन जाता है। मुर्जिया पता है कौन होते हैं? हाँ हाँ पार्टी है, वही 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 है, यही है। तो अगर मोहब्बत किसी इबादत में नहीं है, तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला अहिब्बु अल आफिलीन, क्योंकि मोहब्बत जो है लुब्बुल उबूदिया, इबादत की लुब है, इबादत का मगज है, इबादत की स्पिरिट है। अब मोहब्बत जो है वो दो तरह की होती है, एक मोहब्बत जो कि मुश्तरका कहते हैं, इसको मुश्तरका कह लें, मोहब्बत मुश्तरका, जो एक से ज़्यादा लोगों से की जाती है और वो मुश्तरक होती है। मोहब्बत मुश्तरका में जो है वो उनसियत की मोहब्बत या इंसानी तबीई मोहब्बत आती है। मिसाल के तौर पर मुझे खाने से मोहब्बत है, ये क्या है, तबीई मोहब्बत है, फितरी मोहब्बत है। मुझे अपने वालिद साहब से मोहब्बत है, ये उनसियत वाली मोहब्बत है। वालिद साहब को मुझसे मोहब्बत है, ये शफकत वाली मोहब्बत है। तो तीन तरह की मोहब्बत आ गई मोहब्बत मुश्तरका में, तबीई मोहब्बत, उनसियत वाली मोहब्बत और शफकत वाली मोहब्बत। ये मोहब्बत मुश्तरका है, यानी मुझे वालिद साहब से भी हो सकती है, एट द सेम टाइम मुझे वालिदा से भी हो सकती है, वालिद साहब को मुझसे भी हो सकती है और दूसरे बेटों से भी हो सकती है, शेयरिंग, इसलिए इसको मुश्तरका कहा है, शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। इसमें इंसान दूसरे को शरीक कर सकता है, इसमें इंसान दूसरे को शरीक कर सकता है। एक होती मोहब्बत खासा,
मोहब्बत खासा, खास मोहब्बत, उसमें शराकत दारी नहीं होती। और ये जो मोहब्बत है इसमें बंदगी होती है, और मोहब्बत का सबसे आला दर्जा होता है, और इसमें मुतलक अतायत होती है। इस तरह से कि अगर किसी और की मोहब्बत इस मोहब्बत खासा से टकराई, या मोहब्बत मुश्तरक मोहब्बत खासा से टकरा गई, तो मोहब्बत खासा को मुतलकन तरजीह हासिल है। समझ आ रही है मैंने जो पॉइंट्स बताए, रिपीट कर दूं मैंने क्या बताया? मोहब्बत खासा, मोहब्बत खासा में शराकत दारी नहीं होती, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये आला दर्जे की मोहब्बत होती, सबसे आला दर्जे की मोहब्बत होती है। अब ऐसा ऐसा मैं भूल गया मैंने क्या बताया था, सबसे आला दर्जे की मोहब्बत होती है और शराकत दारी नहीं होती, और इसमें मुतलक अतात होती है। यानी जब मोहब्बत खासा किसी से होती है तो ये नहीं पूछा जाता, अच्छा एक सेकंड आपने मुझे हुक्म दिया, मैं इसको थोड़ा सोच लूँ, मेरे अकल के मुताबिक आएगी तो मैं अतात कर लूँगा, साइंस आज की मान लेगी तो मैं अतात कर लूँगा, मेरा दिल चाहेगा तो मैं अतात करूँगा। मुतलक अतात, मुतलक अतात का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट सबमिशन, कंडीशनल या मुकय्यद नहीं होती अतात, मुतलक। तो इसमें मुतलक अतात होती है, गायतुल हुब, मोहब्बत की इंतहा होती है इसमें, बंदगी होती है। और अगर इस मोहब्बत में और अगर इस मोहब्बत खासा में और मोहब्बत मुश्तरका में अगर तारुज हो जाए, या आपस में ये एक दूसरे के मुकाबले में आ जाए, तो मुतलकन मोहब्बत खासा को तरजीह मिलेगी। अब ये मोहब्बत खासा इंसान पैसों से कर सकता है, इंसान अपने पीर से कर सकता है, इंसान किसी नबी से कर सकता है, फरिश्ते से कर सकता है, अपने आप से कर सकता है, अपने नफ्स से कर सकता है, कि जो मेरा दिल चाहेगा बस वही होगा, मेरी ख्वाहिश ने ये चाहा वो ले लिया। अफरअयता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, आपने उसको देखा जिसने अपने नफ्स को इलाह बना लिया। तो ये मोहब्बत खासा में शराकत दारी कबूल नहीं होती, ये एक ही के लिए होती है। और दीन इस्लाम में इस मोहब्बत खासा को सिर्फ अल्लाह ही का हक हासिल है, अल्लाह ही इसका हक मुस्तहिक है। अल्लाह के अलावा किसी को ये दे दी तो शिर्क हो जाएगा, इसको कहते हैं शिर्क फिल मोहब्बा। अल्लाह के अलावा ये मोहब्बत खासा किसी को नहीं दे सकते, ठीक है? मुर्जिया जब एक्सट्रीमिज्म पर निकलता है तो सूफी बन जाता है। सूफियत भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, बाज़ सूफी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि बस अब हम जब एक दर्जे पर आ जाएं और फना फिल्लाह हो जाएं तो हमें नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो एक इरजाई है ना, मुर्जिया बन गए। मुर्जिया का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, अब हमें अमल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम अल्लाह से मोहब्बत में इंतहा हो गए, और हम अल्लाह के नऊज़ बिल्लाह कोई आशिक हो गए, अल्लाह हमारे आशिक हो गया है, अब हम उसकी नाफरमानी करें, शराब पिए, चर्च पिए, नमाज ना पढ़ें, ये हमें नुकसानदेह नहीं है। ये सूफियत की गायत है, फना फिल्ला जिसको वो कहते हैं, हलूल कर जाना, अल्लाह ताला हलूल कर गया नऊज़ बिल्लाह, हाँ इस तरह की बातें। तो ये इल्हाद है, ये जिंदगीयत है, ये इल्हाद है, ठीक है? हाँ हाँ, अलल इतलाक नहीं है ये, मैं भी आसान बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? इसमें बहुत तफसील है, इंशाल्लाह आप शरा अकीदत तहविया जब पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मोहब्बत खासा अगर अल्लाह के अलावा किसी को दे दी जाए तो वो शिर्क होता है, शिर्के अकबर, शिर्के अकबर, हाँ शिर्के अकबर होगा। शिर्के खासा क्या होती है? शिर्के अकबर होगा। मैंने नाजी में यह दोनों युहिबू नहूँ का हब बिल्ला, अभी आगे आयत आएगी इंशाल्लाह, तो हम इस पर बात करेंगे कि मोहब्बत खासा जो है ये 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 ज़रूरी है। इसको कहते हैं तौहीद फिल मोहब्बा, मोहब्बत में तौहीद का मतलब ये है कि तौहीद खासा सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वो मोहब्बत ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, ना पीर फ़कीर के लिए हो, ना वालदैन के लिए हो, ना बच्चों के लिए हो, ना पैसों के लिए हो, सही है? अच्छा जी, अब मोहब्बत मुश्तरका जो है, मोहब्बत मुश्तरका ये कब जायज़ होगी? जब शरीयत में इसकी इजाज़त दी हो, पहली चीज़। पहली चीज़ अब हम पढ़ें, मोहब्बत मुश्तरका कब जायज़ होगी? जब ये शरीयत में इसकी इजाज़त दी होगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि अल्लाह की मोहब्बत में खलल ना वाक़े करे, वो मोहब्बत मुश्तरका अल्लाह की मोहब्बत में खलल ना डाले। तीसरी चीज़ कि वो अल्लाह की मोहब्बत के बराबर ना हो जाए। बहरहाल ये खलल डालने में आता है, दो चीज़ें कर लें। तो मोहब्बत मुश्तरका जायज़ है जब तक कि शरीयत में इसकी इजाज़त दी है, और अल्लाह की मोहब्बत में खलल भी नहीं आ रहा। अगर तो ये दोनों शराइत पूरी नहीं होती तो ये मोहब्बत मुश्तरका ये हुरमत के दायरे में दाखिल। मोहब्बत मुश्तरका में तीन अहकाम पाए जाते हैं, एक है मुबाह, जायज़ है अपने खाने से मोहब्बत करना, वालदैन से मोहब्बत करना,
और भाइयों से मोहब्बत करना या गाड़ी से मोहब्बत करना, बंगले से मोहब्बत करना, पैसों से मोहब्बत करना, ठीक है, जब तक के दो चीज़ें पाई ना जाए। जब ये दो चीज़ें मिसिंग होंगी तो फिर वो मोहब्बत मुश्तरका हराम हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, मोहब्बत मुश्तरका की बात चल रही है, मोहब्बत मुश्तरका हराम हो जाएगी, यानी अब वो मोहब्बत जायज़ नहीं है। हाँ, यानी मोहब्बत जायज़ है, मोहब्बत मुश्तरका, जब शर्त यह है कि शरीयत में उसकी इजाज़त हो, और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में खलल वाक़ ना हो, जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। शरीयत ने किसी चीज़ की मोहब्बत की इजाज़त नहीं दी, मिसाल के तौर पर शराब की मोहब्बत आ रही है, शराब से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह जो पोर्क है उससे मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं, सूद से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है, ना मुहर्रम से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इजाज़त नहीं है। तो ये सारी वो मोहब्बत है जो कि हराम है। अच्छा, अब एक और पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूज ना हो तो, मोहब्बत मुश्तरका मुस्तहब के दायरे में भी आ जाती है, शर्त यह है कि वो उस मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुझे माल से मोहब्बत है, मुझे कारोबार से मोहब्बत है, जायज़ सी, शर्त यह है कि वो शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है और वो अल्लाह की मोहब्बत में खलल ना हो। यही कारोबार की मोहब्बत मुस्तहब हो जाएगी कि अगर मेरी इस कारोबार से मोहब्बत इसलिए है कि ये मुझे अल्लाह की अतात में या अल्लाह की राह में सदका करने में की तरफ ले जा रही है, ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पर मेरी एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उससे मुझे मेरी मोहब्बत है, जायज़ है, लेकिन अगर ये मोहब्बत अल्लाह की अतात के लिए और अल्लाह की मोहब्बत में मजीद इजाफा करेगी तो ये मोहब्बत मुस्तहब हो जाएगी, अगर चाहिए पहले मुश्तरका थी, ठीक है। बीवी से मोहब्बत करना जायज़ है अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत हो रही है और अल्लाह की मोहब्बत में तकवीत पैदा कर रही है, यानी अब उसूल यह है कि मोहब्बत मुश्तरका अगर मोहब्बत खासा में तकवीत पैदा करे तो ये मोहब्बत मुश्तरका मुस्तहब हो जाती है। मुश्किल तो नहीं है, मोहब्बत मुश्तरका मुबाह भी हो सकती है, हराम भी हो सकती है, मुस्तहब भी हो सकती है, ये बता रहा हूँ। मोहब्बत मुश्तरका फ़र्ज़ भी हो सकती है, जैसा कि मोहब्बत मुश्तरका, बहरहाल उसको हम अल्लाह की मोहब्बत के ज़ुमरे में ही लाएंगे, वालदैन से मोहब्बत करना ये फ़र्ज़ में आएगा। नहीं, पौआ शहीद है, वो शहीद है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा सवाल। अच्छा एक सेकंड, मैं ऑनलाइन कुछ सवाल दे लूँ। मुस्तहब सवाल है, मुस्तहब तब होगा जब अगर एग्जांपल मैं अपनी जॉब में जो अर्न करूँ उसका कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करूँ। नहीं, मुस्तहब तब होगा जब मैं अर्न ही इसलिए करूँ कि अल्लाह की राह में मुझे देना है। जैसे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंड्स के लिए कॉल करते ना, सदके के लिए जब आवाज़ देते, तो कुछ सहाबा जिनके पास पैसा नहीं होता था, उसमें से एक गालिबन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कुछ सहाबा कमाने जाते थे, मजदूरी करते थे ताकि वो अल्लाह की राह में दे सकें। ये मुस्तहब है, ये तो है इबादत, ठीक है, ये बात भी। आखिरी कायदा जो मैंने जिक्र किया वो ये है कि अगर मोहब्बत मुश्तरका मोहब्बत खासा को तकवीत पहुँचाए तो फिर ये मुस्तहब है, अगर मोहब्बत मुश्तरका में दो शराइत पाई ना जाएं तो वो हराम है, अगर मोहब्बत मुश्तरका में दो शराइत पाई जाएं तो वो मुबाह और जायज़ है। मोहब्बत के मामले में कुछ ग्रोह जो है वो गुमराह हुए, मैंने उनमें से एक का जिक्र किया आपको, एक और जिक्र कर देता हूँ, इंशाल्लाह आप अगले साल भी पढ़ेंगे। एक है ग्रोह मुतकल्लिमीन का, अहलुल कलाम का। अहलुल कलाम मुतज़िला हैं, अशायरा हैं, मातुरीदिया हैं, ठीक है, ये इल्म कलाम पढ़ पढ़ के इन्होंने अल्लाह ताला के अस्मा सिफात की नफ़ी की, अल्लाह के अस्मा सिफात में तावील की। ये चीज़ आपने सुनी है, अल्लाह के अस्मा सिफात में तावील करना सुनिए। तो मुतकल्लिमीन का बिल्कुल मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मुतकल्लिमीन जो अल्लाह के अस्मा सिफात को बाज़ तो मानते ही नहीं, इनकार करते हैं, बाज़ जो है वो अल्लाह के अस्मा सिफात में तावील करते हैं, तावील माना कि उसका दूसरा माना ले लेते हैं, जैसे कि अल्लाह के हाथ का माना कुव्वत कर देना, ठीक है, अल्लाह के हाथ का माना कुव्वत कर देना, अल्लाह की रहमत का माना इनाम कर देना, ठीक है, क्यों करते हैं वो ऐसा, वो अलग चीज़ है। तो वो अल्लाह की सिफत मोहब्बत के मुनकर हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता, जब अल्लाह मोहब्बत नहीं करता तो बंदे भी मोहब्बत नहीं करते। तो ये एक ग्रोह है जो कि इस बाब में गुमराह हुआ।
दूसरा ग्रोह जो है जो इस बाब में गुमराह हुआ वो सूफी हजरात हैं, जिनके मैंने भी जिक्र किया। तीसरा ग्रोह जो इस बाब में गुमराह हुआ वो मुशरकीन है। मुशरकीन जो है वो अपने माबूदाने बातला से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि वो अल्लाह ताला से करते। अभी इस पर आएगी, हम बात करेंगे कि क्या है। मिन अन्नासि मन यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में से वो लोग हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरे अंदाद, दूसरे शरीकों को पुकारते हैं या ठहराते हैं, वो उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अल्लाह से करते हैं, या जितनी, दूसरा माना ये जितनी अल्लाह से करनी चाहिए। दोनों माना कलेक्टिव टर्म मुतकल्लमीन, मुतज़िला, अशायरा, मातुरीदिया, ये सब एक कलेक्टिव टर्म इनका अहलुल कलाम या मुतकल्लमीन, जो असल में इनका मसला ये था, ये यूनानी फलसफे, ग्रीक फिलोसफी से मुतासर हो गए थे और कुछ ना कुछ इस्लामी अकायद में इन्होंने यूनानी फलसफा दाखिल किया। जब यूनानी फलसफा दाखिल किया, जैसे कि आज के दौर में जो लोग मगरब से मरगूब हैं, वो आज के दौर में मगरबी अफकार को इस्लामी नज़रियात में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर लिबरलिज्म है, इसी तरह जो है वो सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये जितने मगरबी अफकार हैं इनको इस्लामी अकायद में दाखिल करने की कोशिश करके ये कहना कि इस्लाम लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है, इस्लाम फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है। तो जिस तरह से आज मुसलमान कर रहे हैं ना, मगरबी अफकार से मुतासर होकर दीन इस्लाम में ये अफकार दाखिल कर रहे हैं, तो इसी तरह माजी में भी हुआ, और वो ये हुआ कि उस जिस तरह से आज वेस्टर्न फिलोसफी और साइंस का चर्चा है, इसी तरह कुरून वस्ता में यूनानी फलसफा यानी ग्रीक फिलोसफी का चर्चा था। एरिस्टोटेलियन फिलोसफी या प्लेटो की फिलोसफी या सोक्रेटिस की फिलोसफी, ये सारे यूनानी फलसफी थे, इनके फलसफे का चर्चा था। तो जब उन्होंने कुछ मुसलमानों ने जब यूनानी फलसफा पढ़ा तो उससे मरूब हो गए, और मरूब हुए तो यूनानी फलसफे को दीन इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की। जब दीन इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की तो दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया। जब शक्ल बिगाड़ दी तो फिर अल्लाह ताला के अस्मा सिफात को इनकार किया और वगैरह वगैरह, और ये कहा कि अकल में हमारी नहीं आती, अकल यानी हमारे फलसफे में नहीं आती, इस तरह की बातें की। तो ये जितने माजी में जिन्होंने ये हरकत की, जो यूनानी फलसफे से मुतासर हुए, जिन्होंने ये हरकत की कि इस्लामी अकायद में ये चीज़ें दाखिल करने की कोशिश की, इनको कहा जाता है अहले इल्मुल कलाम, पढ़ने पढ़ाने वाले या मुतकल्लमीन। मुतज़िला, मातुरीदिया, मुतज़िला कौन थे जिन्होंने खल के कुरान का फितना उछाला था? खल के कुरान का फितना कहाँ से उछाला था? यूनानी फलसफे को दाखिल किया। जब यूनानी फलसफे को दाखिल किया तो उन्होंने ये कहा कि यूनानी फलसफे को जब हम इस्लाम में दाखिल करते हैं तो फिर कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। इसमें डिटेल्स हैं, अभी मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ। तो फिर इन्होंने, ये मुतज़िला ही तो थे जो यूनानी फलसफे से मरूब हो गए, इन्होंने जो है वो उम्मत पर फितना बन गए। जी क्या, मैंने कौन सी किताब से पढ़ा जो मैं पढ़ा रहा हूँ? बहुत सारी किताबों से पढ़ा है जी। जी बहुत सारी किताबें, इसकी एक किताब नहीं है, ठीक है। मैं शराह की तहावी भी पढ़ाता हूँ चौथे साल में, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि वो ग्रोह जो मोहब्बत के मामले में गुमराह हुए, सूफी हजरात और मुतकल्लमीन, और मुतकल्लमीन ने सिफत मोहब्बत, अल्लाह की सिफत मोहब्बत का इनकार किया या तावील की। उनका कहना यह था कि यूनानी फलसफे के मुताबिक अगर हम दीन को ढालना चाहें तो अल्लाह की सिफत मोहब्बत का इनकार करना पड़ेगा या इसका माना तब्दील करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अल्लाह की सिफत मोहब्बत का इनकार किया। इसलिए उनका कहना यह है कि आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत नहीं करता। नऊज़ बिल्लाह, पता नहीं इनकी कैसी इबादत है मुतकल्लमीन की। तीसरा ग्रोह जो है मैंने बताया मुशरिकीन है, कि जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत खासा में अपने माबूदाने बातला की मोहब्बत को शरीक किया, यानी मोहब्बत खासा उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों से की, तो ये भी गुमराह हुए। क्या अलामत है? अलामत क्या है कि इंसान अपनी मोहब्बत खासा को गैरुल्लाह के लिए खास कर दे? कुछ अलामत कि जिससे हमें ये पता चलता है कि इंसान मोहब्बत खासा में शिर्क कर रहा है। मिसाल के तौर पर यही मुशरिकीन जब ले लें, जब उनको कहें कि अल्लाह की कसम खाओ तो खा लेंगे, जब उनको कहो हुसैन की कसम खाओ, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो उनके दिल में थोड़ी सी जो है ना वो रोब और हैबत आएगी, हुसैन की कसम सोचेगा वो, अल्लाह की कसम खाओ, माँ की कसम खाओ, माँ की कसम सोचेगा कि अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारे दिल में माँ की अज़मत, कि अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारे दिल में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत। तो ये अलामत है कि उनकी मोहब्बत अल्लाह से ज़्यादा, यानी उनकी मोहब्बत खासा हुसैन के लिए रज़ी अल्लाह तआला। इसी तरह जो है वो बस यही कुछ अलामत है कि वो गैरुल्लाह की कसम खाने में सोचेगा, अल्लाह की कसम झूठ भी खा लेगा वो। हमने अपने कुछ माशरे में ऐसा सुना है कि
कोई शख्स अल्लाह की कसम खाता है तो उस पर एतबार नहीं किया जाता, फिर वो अपनी माँ की कसम खाता है या अब्दुल कादिर जिलानी की कसम खाता तो फिर एतबार किया जाता है। आपने ऐसा देखा है अपने माशरे में? नहीं देखा आपने? हैरत। गैरुल्लाह की कसम पर ज्यादा गैरत खाना, ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं देखा आपने? कॉमन है ये हमारे माशरे में। यानी सामने वाले जब माँ की कसम खाई जाती है तो सामने वाले को ज्यादा यकीन और कॉन्फिडेंस आता है। पता नहीं, हाँ गैरुल्लाह की कसम खाने में से शिर्क है ना। हाँ, और इसी तरह एक अलामत ये भी है कि इंसान की मोहब्बत खासा अल्लाह के लिए नहीं है, इसकी ये भी अलामत है कि अगर कोई गैरुल्लाह, मिसाल के तौर पर हुसैन या हसन रज़ी अल्लाह ताला, आजकल माहौल ऐसा है इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीर अब्दुल कादिर जिलानी, इनका इनकी कहीं हुरमतों को पामाल किया जाए तो आपका बिल्कुल जो है ना मीटर घूम जाएगा। लेकिन अल्लाह के बारे में अगर कोई ऐसी बात होगी तो आप बिल्कुल रिलैक्स, यानी आपको गैरत गैरुल्लाह पे ज़्यादा आती है बनिस्बत अल्लाह के। मैं ये नहीं कह रहा कि गैरुल्लाह की जब हुरमत को पामाल किया जाए, यानी जब सहाबा की हुरमत को पामाल किया जाए, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी गैरत ज़्यादा अल्लाह के साथ, बराबर तो नहीं हो सकती ना, बराबर तो नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। गैरत है, जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहेगा हमारा गुस्सा उस पर भी आएगा, लेकिन ज्यादा गुस्सा में जो उस पर आएगा जो अल्लाह के बारे में कहेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। और अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत के अंडर ही ये हेडिंग में आती है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, ये अल्लाह की अल्लाह से मोहब्बत की अंदर ही आती है, ये शामिल है, क्योंकि अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ने कहा है कि इनसे मोहब्बत करो, करते हैं इसलिए अल्लाह। लेकिन इनसे ऐसी मोहब्बत करना कि इस हेडिंग से बाहर निकाल के अल्लाह के मुकाबले में जाके खड़े कर देना, फिर ये शिर्क हो जाएगा। सवाल है, अगर किसी पे शक हो कि अल्लाह की कसम झूठी खा रहा है तो उसको माँ की कसम खिलवा सकते हैं? देखा, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये है कॉन्सेप्ट लोगों में। भाई मैंने यही बताया है कि गैरुल्लाह की कसम खाना पहले तो शिर्क है, जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको ये इसमें जो है वो ये पहलू है कि अल्लाह से उसको मोहब्बत कम है और गैरुल्लाह से माँ से बहुत मोहब्बत ज़्यादा है। हाँ अलामत आप भी बताएं, बताएं माइक। अच्छा, ये जो अलामत है इसमें जो दो बड़ी वाजे नोटेबल है हमारे माशरे में, वो ये कि जिसका कुरान में भी है कि मतलब ये कि इंसान जो है वो जैसे बीवी बच्चों की मोहब्बत में इतना वो बावला हो जाता है कि वो हलाल हराम की भी तमीज़ जो है वो फरामोश कर बैठता है, उनकी मोहब्बत में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो अल्लाह ताला की हदूद का भी ख्याल नहीं करता। अच्छा, इसमें वो मोहब्बत में बहुत बढ़ गया। या फिर ये कि नमाज का टाइम हो रहा है, जैसे अब ये तो माल की बात हो गई, नमाज का टाइम हो रहा है और बंदा जो है वो अपने अहल में इतना मसरूफ़ है, और मसरूफ़ भी ऐसा है कि बस मैं मतलब ये कि उनको टाइम दे रहा हूँ या उनके साथ में दिल लगा रहा हूँ, या बच्चे हैं या बेगम है, जो भी एक्सपेक्टेड फैमिली के लोग हैं, लेकिन बस नमाज की भी कॉल आ रही है और वो नहीं हिल रहा है, तो ये भी क्या इसी अलामत के अंदर आएगा ये दोनों चीज़ें? नहीं, इसकी वजह ये है, मैं आपको इस पॉइंट में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। मैंने आपको बताया कि मोहब्बत खासा और मोहब्बत मुश्तरक आपस में टकरा जाए तो मोहब्बत खासा को तरजीह मुतलक ना हासिल। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई दुनियावी ख्वाहिश गालिब आ जाती है, मिसाल के तौर पर आपकी एक बड़ी डील हो रही है और उस वक्त नमाज जमात भी खड़ी हो रही है, एक बिज़नेस डील हो रही है, अब आप बिज़नेस डील को वहाँ पे तरजीह देते हैं, ठीक है, इतना जुमे की नमाज का अजान आ रही है तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया, हराम है उस वक्त बे करना कि जुमे की नमाज़ हो जाए और फिर भी आप तजारत कर रहे हैं, लेकिन आप पर उस वक्त दुनिया की शहवत गालिब आ जाती है, उस वक्त ये नोट कीजिएगा, उस वक्त आपकी दुनिया की शहवत गालिब आ जाती है और आप थोड़ा सा मस्जिद लेट पहुँचते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने मोहब्बत में शिर्क किया, इसका मतलब यह है कि आपने अपने ख्वाहिश को उस जगह पे तरजीह दी, इसका मतलब ये हराम है, शिर्क नहीं है। शिर्क कब बनेगा कि जब आप मुतलकन अपनी ही ख्वाहिशात के गुलाम हैं, जो भी मामला हो अपनी ख्वाहिशात को ही आप देखते हैं, अपनी ख्वाहिशात को ही ऊपर रखते हैं। हाँ, अगर एक आध दो दफ़ा वन ऑफ ये चीज़ें हो जाती हैं, हम सबसे होती हैं, ये तो मासियत है, ये तो गुनाह है, ये गुनाह है। मिसाल के तौर पर आपने किसी औलाद की मोहब्बत में या अपने नफ्स की मोहब्बत में कोई हराम काम कर लिया, अल्लाह की मोहब्बत में आपने तरजीह दी ना उस वक्त, लेकिन शिर्क नहीं कहेंगे उसको, उसको गुनाह और हराम कहेंगे, क्योंकि आपने उस वक्त को मैं बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये एक आध वक्त का या उस वक्त कर लिया, मुतलकन आपका ये रवैया नहीं है। जब अगर मुतलकन रवैया बन जाए तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताइसा अब्दुद दिरहम व ताइसा अब्दुद दिनार, जब मुतलकन आपका ये रवैया बन गया तो आप दरहम के बंदे हो गए,
या दीनार के बंदे हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हलाक हो गया। यानी आपने देखा कि पैसा ही घूम रहा है, बस उठते हैं पैसा कमाना कैसा है, बिजनेस में जाते हैं पैसा चाहिए, वो मर रहा है मरने दो, उसकी इज्जत उछली उछलने दो, प्रॉफिट आना चाहिए जेब में, हराम काम होने दो, दीन का सत्यानाश हो रहा होने दो, पैसा चाहिए बस। जब ये रवैया बन गया कि हर वक्त पैसा चाहिए, तो अब आप हैं, अब शिर्क में मुब्तला हैं आप, मुतलकन आपका रवैया है ही ये, यानी हाँ यानी दवाम, यानी आपका एक नज़रिया ज़रूरी है कि बस आप जो है वो पुजारी हैं पैसों के, अब आप मुशरिक हैं, अब आप शिर्क में मुब्तला हो गए। लेकिन एक आध दफ़ा अगर हमने अपनी ख्वाहिश को, गुनाह तो होता ही अपनी ख्वाहिश को तरजीह देने की वजह, चाहे छोटे से छोटा गुनाह हो, इंसान बदनज़री भी करता है तो वो अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दे रहा है ना, लेकिन उसको नहीं ये नहीं कहेंगे शिर्क है, तो सगीरा गुनाह है, छोटा गुनाह है जो कि वुज़ू से और नमाजों से माफ़ हो जाता है अगर जिस पर दवाम नहीं करना। लेकिन मकसद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस वक्त यानी एक आध दफ़ा हो गया, फिर माफ़ी मांग ली, फिर वापस हो गया, अगरचे बहुत दफ़ा भी हो गया, लेकिन मुतलकन एक है ना कि एक नज़रिया है, क्योंकि आप हमारे पॉलिटिशियंस देखें, आवाम जाए बाहर में, दीन जाए ऐसी कि तैसी, मज़ार पर झुकना होगा वहाँ झुक जाएंगे, सिख के इबादत खाने में जाना होगा वहाँ चले जाएंगे, वोट लेने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। अब ये है सियासत का बंदा, ये है शिर्क कि बस अब आप जो भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलें कि रियासत मदीना हो या जो भी हो, करने के लिए आप जहाँ भी झुकेंगे सियासत करने के लिए, ये शिर्क है। ये है, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मोहब्बत जिसके इर्द गिर्द घूमती हो, एक इंसान है अल्लाह से मोहब्बत करता है, एक आम मुसलमान है अल्लाह से मोहब्बत करता है, लेकिन कभी कभार अपनी ख्वाहिशात उसकी गालिब आ जाती हैं और वो गुनाह कर बैठता है, तो वो मुशरिक नहीं हो जाता। अगरचे हराम काम करता है उसको तौबा जरूर करना ज़रूरी है, लेकिन उसको कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फ़र्क समझ में आ रहा है कि बंदा जो है वो इसकी जो मोहब्बत मुश्तरक है, शिर्क कब बनती है और कब नहीं बनती है, सिर्फ तरजीह देने की वजह से मुशरिक नहीं हो जाता। यानी मोहब्बत मुश्तरक को एक आध दफ़ा मोहब्बत खासा पर तरजीह देने की वजह से शिर्क में मुब्तला नहीं होता, बल्कि मुतलकन ये नज़रिया या रवैया चाहिए होता है उसको मुशरिक बनाने के लिए, उसको शिर्क करने के लिए। अल्लाह तो ये कुछ मोहब्बत की बुनियादी बातें थी। आज के दर्स का हासिल ये है कि मोहब्बत खासा जिसमें मुतलकन हम तरजीह दें अल्लाह ही, अल्लाह की अतात की, अल्लाह की अतात अगर कहीं और इसके सामने मुकाबले में आ जाए तो हम अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह से भी इंतहा मोहब्बत करें, लेकिन उस मोहब्बत के साथ साथ आपको पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है और वो ये है कि बहुत से लोग दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सही है, अल्लाह जब वो दुआएं करेंगे तो रोना भी आ जाएगा, जब वो सजदे में जाएंगे तो अल्लाह के आगे रो भी लेंगे, अल्लाह से मोहब्बत का जिक्र आएगा तो आंसू भी निकल आएंगे। लेकिन क्या वजह है कि वही लोग जब अल्लाह की हुरमात, अल्लाह की हदूद का वक्त आता है तो उसको पामाल कर बैठते हैं, गुनाह कर लेते हैं आसानी से जुर्रत के साथ। यानी एक जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला शख्स है उसमें गुनाह की जरूरत नहीं होती है, अगर एक आध दफ़ा गुनाह हो गया तो उसको सख्त टेंशन होने लगती है उसे गुनाह हो गया, ये मोमिन है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला ये है कि गुनाह हो गया तो अब टेंशन हो गई उसको, जब तक कि तौबा नहीं करेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन एक शख्स है कि अल्लाह से मस्जिद आता है रोता है, दुआएं मांगता है रोता है, ठीक है किरत सुनता है, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गुनाह भी वो बड़े जुर्रत के साथ कर रहा होता है। वजह पता है क्या होती है, इसकी वजह बुनियादी वजह ये होती है कि उसने अल्लाह की मोहब्बत में गुलूफ किया होता है, यानी अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह की तज़ीम और खशियत का उसको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है। अल्लाह की मोहब्बत को अगर सेट ऑफ खशियत के साथ किया जाए तो फिर ये बैलेंस तरीके से चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत इससे वो सूफ़ी बन जाता है कि ठीक है अल्लाह से मैं मोहब्बत इतनी करता हूँ, अल्लाह मुझसे मोहब्बत इतनी करता है, अगर मैं थोड़ी बहुत सिगरेट वगैरह पी लेता हूँ कोई मसला नहीं, शराब वराब पी ली मैंने कोई मसला नहीं, मैंने गाने वाने सुन लिए गाने, यार मैंने आपने कोई ऐसे आर्टिस्ट भी देखे होंगे जो म्यूजिशियंस होंगे जो अल्लाह की बात अल्लाह की मोहब्बत की बात करने आएंगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो माशाल्लाह क्या अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, दुआएं भी कर रहे होते हैं अल्लाह से मोहब्बत भी कर रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, लेकिन म्यूजिक को नहीं छोड़ते, हराम काम को, हाँ अगर एक खातून है तो वो कोई उसका पर्दा वर्दा कुछ नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी कर रही है, आंसू भी निकल रहे हैं, तो वजह ये होती है कि उसके दिल में वो खशियत और खौफ नहीं होता अल्लाह का। यानी अल्लाह को सिर्फ आपने अल्लाह को आपने मोहब्बत के नज़रिए से देखा, अल्लाह की इबादत आप मोहब्बत के पहलू से कर रहे हैं, अल्लाह के दिल आपके दिल में अगर अल्लाह का खौफ उतना ही ना हो जितनी मोहब्बत है तो फिर ये मसला होगा, ये मसला इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्अलुका खशियतक फिल गैब वश्शहादा, अल्लाह की खशियत का सवाल। तो अल्लाह की खशियत जो होती है वो खशियत किसको कहते हैं, जो इल्म की बुनियाद पर खौफ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खशियतक फिल गैब वश्शहादा, तो उससे मैं तेरी खशियत का सवाल करता हूँ पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी।
तो ये वजूहात होती हैं कि आप देखेंगे कि उमूमन हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे तो अल्लाह की अजमत का अंदाज़ा नहीं होता उनको कि मैं किसकी नाफरमानी कर रहा हूँ, उनको बस वो मोहब्बत ही मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और ऐसे सारे आपको कुछ माजरत के साथ कुछ मोटिवेशन स्पीकर भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत पर आपको एम्फेसाइज करते हैं, अल्लाह को खौफ नहीं दिलाते, अल्लाह की अजमत, अल्लाह कितना अजीम ज़ात है, किसकी नाफरमानी कर रहा हूँ मैं। तो जब मोहब्बत के साथ अल्लाह की अजमत होगी तो फिर इंसान अल्लाह से मोहब्बत भी करेगा, उसके आगे रोएगा भी और गुनाह से भी रुका रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ मोहब्बत होगी, दिल में अल्लाह की अजमत नहीं होगी, तो फिर वो गुनाह करेगा और अल्लाह के आगे रोएगा भी और गुनाह भी कर रहा होगा। समझ आ रही है ये पॉइंट? समझ आ गया जी? माइक ले लें। आपने जिस बंदे का भी तज़किरा किया कि वो होगा कि मोहब्बत भी करता होगा और तिलावत में भी रोता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन गुनाह भी करता होगा कि भाई मैंने थोड़ा सी सिगरेट पी ली तो क्या हो गया, या मैंने जो है वो फला फला ताल्लुकात कायम कर लिए तो क्या हो गया, मतलब सही है, चिल चल रहा है वो। हाँ सही है। अच्छा, क्या ये बंदा उसी बंदे की तरह है कि जो अल्लाह से मोहब्बत भी रखता है और लेकिन गुनाह करने के बाद में उसके दिल में रिग्रेट तो है लेकिन वो कहता है यार मुझे पता है ये चीज़ गलत है या बुरी है लेकिन छुटती नहीं है, मैं क्या करूँ या मुझसे मैनेज नहीं होता। अब तो वो ये कहूंगा, तो क्या ये आदमी और वो आदमी जो एक तो है वो है जो उसकी कराहियत महसूस ही नहीं कर रहा और एक वो कराहियत महसूस कर रहा है लेकिन वो कह रहा है यार इतना मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा, ये मेरा गुनाह है, मैं गलती मान रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं छूटती। उम्मीद गलत तरीके से लगा रहा है, ये बात कहेंगे, ये ला इल्मी वाली उम्मीद लगा रहा है। उम्मीद तो तभी अल्लाह ताला ने फरमाया ना मैं माफ करने वाला गफ्फार हूँ जो मेरी तरफ तौबा करे, तो ये उम्मीद फॉल्स होप है, ये फॉल्स होप। अगर चाहिए बंदा उससे बेहतर है, किससे? जो दूसरा है जिसको रिग्रेट ही नहीं है, एक दूसरा है कि यार उसको अल्लाह से मोहब्बत करता है लेकिन उसको रिग्रेट है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स को शराब पीने की वजह से लाया गया, उस पर हद कायम की, फिर वापस पी रहा, वापस लाया गया, काफ़ी दफ़ा जो है वो उसके शराब की हद के लिए उसको लाया गया। तो गालिबन किसी साहबी ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह की लानत हो तुझ पर, कितनी दफ़ा तू जो है वो हद के लिए लाया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना कहो उसको, बेशक ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ठीक है, ये क्या बात हुई? ये वही वाली बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हद वो लगवा रहा है ना, वो आ रहा है अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह नबी गुना बड़ा वो है, शराब की का नशा या सिगरेट का नशा एक बहुत वो है, एक मुश्किल है छोड़ना। तो एक बहुत मुमकिन है कि एक बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो और वो जो गुना कर रहा है और वो बहुत मुश्किल है वो गुना छोड़ना, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा और वो रिग्रेट भी करता है हर वक्त, और वो उसको खौफ ज़्यादा, वो बंदे को अल्लाह की हिकमत होती है इन गुनाहों के पीछे भी कि बंदे को इन गुनाह में मुब्तला रखता है कि बंदा जो है बिल्कुल फ्री हैंड ना चला जाए, कि बंदा जब तक इस गुनाह में मुब्तला रहेगा वो थोड़ा खौफ ज़्यादा रहता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना शुरू हो जाता। ठीक है, एक वक्त आएगा अगर वाकई अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होगी तो एक वक्त आएगा वो बंदा उस गुनाह को छोड़ देगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो मोहब्बत के दर्जात है ना, एक पाए दर्जे की तो मोहब्बत नहीं है, एक एक्सट्रीम दर्जे अच्छे यानी वाजिब दर्जे की तो मोहब्बत नहीं है ना, ये कहेंगे मोहब्बत में खलल है, लेकिन ये बिल्कुल ही नफी नहीं कर देंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ दर्जात हैं। अब एक शख्स है कि जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है लेकिन वो गुनाह से उसको बिल्कुल ही, वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा, बिल्कुल जुरत के साथ गुनाह कर रहा है, तो इसकी मोहब्बत में अल्लाह से हो सकता है झूठी हो या हो सकता है बहुत थोड़ी सी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खलल है, बहुत डिफेक्टिव मोहब्बत है। हाँ, इससे ऊपर एक दर्जा चले जाएँ कि उसको रिग्रेट है अपने गुनाहों पर, अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहता है, अल्लाह मुझसे ये गुनाह छुड़वा दे, मुझसे नहीं छूट रहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो मुझसे ये गुनाह छुड़वा दे, अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करता रहता है और कोशिश भी करता रहता है, छूटता नहीं है, तो ये उससे बेहतर है, लेकिन खलल इसकी मोहब्बत में भी है। लेकिन एक शख्स है कि अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता है, गुनाह वो भी कर लेता है लेकिन फौरन से लौट आता है अल्लाह की तरफ, उसको टेंशन हो जाती है मैंने गुनाह कर लिया। गुनाह तो हर शख्स करता है, हर शख्स गुनाह करता है। ठीक है, गुनाह तो हर बंदे ने करना है, हर इब्ने आदम ने गुनाह करना है, लेकिन बेहतरीन खताकार कौन है जो फौरन रुजू करे। ठीक है, इसके साथ ही हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। हां, कौन? ये कहेंगे कि उसने शर्क शर्क किया है, अमल शर्क आया कि वो सजदा करने वाले मुशरिक है या नहीं, इसमें तफसील है, इसे दवा पे देखे जाएंगे। ताज़ीम ही सजदा ताज़ीम ही भी हमारी शरीर में जाए नहीं, शर्क गैर अल्लाह के सजदा क्यों? वो हाँ है तो शर्क अकबर ही, अमल शर्क अकबर है, करने वाला क्या मुशरिक हो जाता है, ये सवाल। इसके लिए हमें उस पर हुज्जत कायम करनी, यह हमें पहले देखना पड़ेगा कि किसके पास इल्म पहुंचा नहीं पहुंचा कि सजदा करना शिर्क अकबर है, सजदा करना इबादत है, वो समझ रहा है कि सजदा करना एक अदब का तरीका है। ठीक है, तो हम उसको जब तक इल्म नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम उसको हुज्जत कायम करेंगे। तो ये अमल तो शिर्किया है, शिर्क अकबर है, तो शरीयत में।